India's year-long esports championship, esports premier series 2021. ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ई-स्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख एंड हमारी कंसोल गेम है FIFA 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में FIFA के 2 ऑनलाइन क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द FIFA अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ई-स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। esports.in ला रहा है इंडियाज योर लॉन्ग ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज 2021। ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ई-स्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख एंड हमारी कंसोल गेम है FIFA 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में FIFA के 2 ऑनलाइन क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द FIFA अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ई-स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। जोश, ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. आज खाने में वही। बिल्कुल सही। खाने में वही। बिल्कुल नहीं। आज बोरिंग नहीं। फासोस सिग्नेचर रैप्स है बिल्कुल सही। अनएक्सपेक्टेड माउथ वॉटरिंग कॉम्बिनेशंस, फ्लेवर्स में ऐसा जोर कि बाकी सब लगे बोर। फासोस सिग्नेचर रैप्स। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस। मैं बोल रहा था रविंदर से बॉलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन खेलो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण, एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द खेलो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. जोश, ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा।
Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस! मैं बोल रहा था रविंदर से बॉलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन केरो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण, एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द केरो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। esports.in Lara hai India's year long esports championship esports premier series 2021। ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ई-स्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख एंड हमारी कंसोल गेम है फीफा 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में फीफा के 2 ऑनलाइन क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द फीफा अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ई-स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। esports.in Lara hai India's year long esports championship esports premier series 2021। ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना esports करियर शुरू कर सकता है। esports premier series का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख एंड हमारी कंसोल गेम है FIFA 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में फीफा के 2 ऑनलाइन क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द फीफा अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ई-स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. आज खाने में वही। बिल्कुल सही। खाने में वही। बिल्कुल नहीं। आज बोरिंग नहीं। फासो सिग्नेचर रैप्स है बिल्कुल सही। अनएक्सपेक्टेड माउथ वॉटरिंग कॉम्बिनेशंस, फ्लेवर्स में ऐसा जोर कि बाकी सब लगे बोर। फासो सिग्नेचर रैप्स। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस! मैं बोल रहा था रविंदर से बॉलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन केरो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण,
डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द खेलो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. Yeah, hush. Yeah, Josh. ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस, मैं बोल रहा था रविंदर से बोलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन खेलो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण, एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द खेलो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Esports.in Lara hai India's year long esports championship Esports Premier Series 2021 ye open tournament hai jisme koi bhi participate karke apna esports career shuru kar sakta hai Esports Premier Series ka total prize pool hoga 40 lakh and hamari console game hai FIFA 21 jisme bahut players participate karenge and aapke liye zabardast goal score karenge पूरे साल में फीफा के दो ऑनलाइन क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए। प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप टू स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द फीफा अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक फासोस एंड ओवन स्टोरी। वी प्रेजेंट यू द थर्ड डे एंड राउंड टू मैचेस अभी शुरू होंगे। पहला मैच है अमन वारसी के साथ रोहन का, और अमन वारसी बहुत ही पुराने फीफा प्लेयर है, बहुत दिन से फीफा खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट 4-5 सालों से वो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। कल हमने देखा कि हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं राउंड 3 के लिए, जैसे चरणजीत सिंह, सारंश, और अभी हम एक बार फॉर्मेट की तरफ नजर डालेंगे जो है। पहले सिंगल एलिमिनेशन है, बेस्ट ऑफ टू है, दो मैचेस मिलेंगे हर प्लेयर्स को, मगर सिंगल एलिमिनेशन है। अगर वो हार गए उन दो मैचेस में एग्रीगेट स्कोर पे तो वो आउट हो जाएंगे। उसके बाद फेज टू आएगा जिसमें क्वार्टर फाइनल से उनको डबल एलिमिनेशन का चांस मिलेगा। दो बार उनको मौका है, अगर पहला बार हार भी गए तो सेकेंड टाइम उनको चांस है क्वालिफाई करने का, मगर वो सिर्फ टॉप 8 प्लेयर्स के पास चांस होगा। देखते हैं आज के मैचेस कैसे हैं, शेड्यूल एक बार देख लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट्स पे एक बार नजर डालेंगे हम लोग। और कल हमने देखा कि
बहुत जबरदस्त कुछ मैचेस हुए सिड चंदना के, फिर सारांश जैन और लोकमान्यू के, जहां सारांश ने जीत लिया, सिड ने हरा दिया था सिद्धार्थ रोहिरा को। इमाद जमील भी बहुत जबरदस्त खेले, 7-1 से वो नेक्स्ट राउंड में गए। रंजन महापात्रो भी है नेक्स्ट राउंड में और जोसेफ जॉय नागपाल भी पहुंच गए हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोहन शर्मा और अमन वारसी के मैच के साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत जबरदस्त कुछ मैचेस आने वाले हैं। फादिल अफरीदी का मैच है आज और शायद सक्षम का भी, तो फिर बहुत बड़े बड़े मैचेस है। सक्षम में बता दूं 2-2 मलेशिया में टूर्नामेंट जीत चुके हैं 2019 में और ऑलमोस्ट 64 टीम्स को उन्होंने हरा के वहां पे चैंपियनशिप जीती थी, एशिया के कुछ बेस्ट प्लेयर्स को हरा के। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच, टू सीइंग सक्षम प्ले और ऑल्सो फादिल अफरीदी, जो बैंगलोर फीफा क्लब के प्लेयर हैं और बहुत दिन से फीफा खेल रहे हैं और बैंगलोर में ऑलमोस्ट टॉप प्लेयर हैं वहां के, तो उनका भी मैच देखने में मजा आएगा। अभी हमारे अगले मैच के दो ओपोनेंट्स और रोहन शर्मा और अमन वारसी अभी मैच स्टार्ट कर देंगे, लोग कुछ ही क्षणों में आपको मैच स्क्रीन तक ले जाएंगे। दोनों के पास टीम्स कैसी है वो देखनी पड़ेगी। हमने देखा है कि अगर टीम ज्यादा जबरदस्त है, टीम में ज्यादा जोर है, रोनाल्डो है, नेमार है, तो फिर उनको एडवांटेज मिल रहा है। अगर आपकी स्ट्राइकिंग लाइन अच्छी नहीं है, जैसे कल रंजन बहुत अच्छा खेल रहे थे मगर उनके पास टीम भी तगड़ी थी, तो ये भी मैटर करेगा कि कौन डिफेंस में है, कौन स्ट्राइकिंग में है। तो दोनों की टीम शीट भी हम लोग मैच के अंदर देख लेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। अमन वारसी ऑलमोस्ट 4-5 सालों से फीफा खेल रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। रोहन शर्मा के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, शायद ये उनका पहला टूर्नामेंट है, तो देखते हैं वो पहले टूर्नामेंट में कैसा खेलते हैं। और लैन टूर्नामेंट्स में भी बहुत खेल चुके हैं अमन वारसी, तो उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है, तो वो हेल्प करेगा अमन को और बेहतर खेलने में। जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक, ओवन स्टोरी एंड फासोस। अगर आप ASAT कोड यूज करेंगे तो फिर आपको 80 रुपीज डिस्काउंट मिल सकता है ओवन स्टोरी ऐप पे, फासोस के वेबसाइट पे या ओवन स्टोरी के वेबसाइट पे। और मैं बता दूं कि अमन बहुत सारे नेशनल टूर्नामेंट्स में भी खेल चुके हैं और बहुत आगे तक भी गए हैं, मगर कभी अभी तक इंडिया को रिप्रेजेंट कर नहीं पाए हैं, मगर नेशनल टूर्नामेंट्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में वो बहुत बार खेल चुके हैं। मैच स्टार्ट हो गया है, और अमन खेल रहे हैं ब्लू जर्सी के साथ और ब्लैक जर्सी के साथ खेल रहे हैं। और पहले ही चांस और ये गोल, स्टार्टिंग में ही पहला गोल मिल गया है अमन को। बहुत जबरदस्त स्टार्ट, पहले ही मिनट में गोल, ये टूर्नामेंट में पहली बार हुआ है। पूरे स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज में हमने पहली बार देखा है कि पहले ही मिनट में गोल, में फर्स्ट अटैक और फर्स्ट गोल। माफी चाहूंगा, वो गोल रोहन शर्मा ने किया है, रोहन शर्मा खेल रहे हैं ब्लू जर्सी के साथ और अभी वो अटैक पे जा रहे हैं एम्बापे को लेके। बहुत अच्छी सेव यहां, टीम भी जबरदस्त है। रोहन जो कि नए प्लेयर है वो आके ही कमाल दिखा रहे हैं, एक गोल से लीड ले लिया। अभी अमन अटैक पे जा रहे हैं विंग से, मगर बॉल बाहर निकल जाएगी। जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक, ओवन स्टोरी एंड फासोस।
हमने देखा है फीफा के मैचेस में कि ज्यादा गोल सेकेंड हाफ में आते हैं, फर्स्ट हाफ में बहुत कम प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, मगर यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया है, पहले ही मिनट पे गोल कर दिया है यहाँ। अमन एक्चुअली खेल रहे हैं ब्लू जर्सी के साथ और अमन ने ही गोल किया है। और रोहन खेल रहे हैं ब्लू जर्सी। रोहन शर्मा अभी अटैक पे जा रहे हैं, अभी अमन वारसी के पास बॉल है, देखते हैं क्या करते हैं वो। एम्बापे टीम बहुत ही जबरदस्त है, रेनातो सांचेस से उन्होंने पास दिया है। बहुत अच्छे स्किल्स कर रहे हैं रोहन, और अभी विंग से अटैक करने की कोशिश राशफोर्ड, और एक गोल का मौका, बहुत अच्छा सेव वहां गोल लाइन से, बहुत अच्छा है गोल लाइन से वहां। अभी आगे बढ़ रहे हैं अमन वारसी, कल के मैचेस में हमने देखा कि सारांश जैन जो कि इंडिया को चार चार बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं बाहर, वो उन्होंने जगह बना लिया है राउंड थ्री में लोकमान्यू को हरा के। लोकमान्यू भी बहुत अच्छे प्लेयर थे जो दो बार खेल चुके हैं इंडिया के लिए, और चरणजोत सिंह जो कि इंडिया के अभी बेस्ट प्लेयर हैं और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में टॉप फोर तक पहुंचे, इवन माइक लवेल और बाहर के जितने फीफा प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, वो लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं ट्विटर पे, बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं और उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल लग रहा है। वो भी है ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज के राउंड थ्री में, तो कुछ बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। और मेसर्ट ओजिल के टीम के प्लेयर सिद्ध चंद्रा वो भी पहुंच चुके हैं राउंड थ्री में। देखते हैं अमन वारसी या रोहन शर्मा कौन उनको ज्वाइन करता है राउंड थ्री में। बहुत अच्छी स्किल वहां अमन वहां बॉल होल्ड करते हुए रेनातो सांचेस के साथ, अच्छी डिफेंडिंग की वहां। और एक जबरदस्त पास विंग से, और एक बढ़िया चांस, इससे पहले भी बॉक्स में वो घुस गए थे मगर माराडोना को लेके वो कुछ कर नहीं पाए। पहला हाफ खत्म, दोनों ही टीम्स अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है, कोई भी डिफेंस नहीं कर रहा है।
are back in business, and not everything went to plan for the Lions in that first half. Can they address what didn't go right and turn it around in the second? Joshua Kimmich. Now potential danger. And that is the sort of tackle he had scripted in his mind. Alex Moreno. Second half start ho gaya hai. Quality of pass needs to be a bit better. And threading it forward. Aur ek goal ka chance. On the line save हुआ वहां पे, post पे भी लगा, बहुत अच्छा chance था level करने के लिए. Son के लिए की अच्छी dribbling. Kevin De Bruyne है. बॉक्स के अंदर माराडोना को ढूंढ रहे थे पास देने के लिए, मगर वहां अच्छी डिफेंडिंग की. और अभी अमन वारसी का फिर से अटैक. और बहुत अच्छा पास दिया यहाँ नेमार को लेके, एक चांस, पेनल्टी मिलेगी यहाँ, पेनल्टी मिलेगी यहाँ. बहुत अच्छी डिफेंडिंग वहां कर रहे थे, मगर एक रॉन्ग टैकल कर दिया. अच्छे स्किल्स वहां, जबरदस्त पेनल्टी. गोलकीपर के पास कोई मौका नहीं. मैराडोना को ज्यादातर कैम पोजीशन में देखते हैं, मगर यहां विंग्स में खिला रहे हैं. और माराडोना के पास बॉल, क्या स्कोर कर सकते हैं? दो चांसेस मिले थे यहां रोहन को इससे पहले, और वो फिनिश नहीं कर पाए. और अमन वारसी का फिर से अटैक रोक दिया है रोहन ने. रोहन के पास टीम बहुत अच्छी है, केविन डी ब्रुयने ऊपर, माराडोना, रैशफर्ड, मगर अमन अच्छा उसको काउंटर कर रहे हैं, उनकी गेम को अच्छा रीड कर रहे हैं. और रोनाल्डो और नेमार को बहुत जबरदस्त यूज कर रहे हैं अमन. और पहले ही मिनट में मैं बता दूं, अमन को गोल मिल गया था. ये पहली बार हुआ है स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज में कि पहले ही मिनट में किसी को गोल मिल जाए. एम्बापे से सांचेस, सांचेस से वाल्वार्दे, और एम्बापे को लेके जबरदस्त किल यहाँ. अभी नेमार को वापस 1-2 पास दिया, वहां अच्छा बॉल ड्रिबलिंग कर रहे हैं. सोन को पास दिया है, रोहन शर्मा काउंटर की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको ज्यादा चांसेस नहीं मिल रहे हैं. अमन फिर से अटैक पे, यहां एक मौका, पहले ही शॉट ले लिया था. और रोहन शर्मा भी गोल में पोपे को खिला रहे हैं, जिसको ऑलमोस्ट 70% प्लेयर हमने देखा है प्लेयर्स टूर्नामेंट में पोपे को ही गोलकीपर खिला रहे हैं. अमन वारसी कोर्तुआ को खिला रहे हैं, शायद रियल मैड्रिड के फैन है. सांचेस को मिडफील्ड में अच्छा यूज कर रहे हैं. अभी एम्बापे वापस नेमार को, एम्बापे, रोनाल्डो, नेमार, इन तीन प्लेयर्स को लेके बहुत अच्छा खेल रहे हैं अमन वारसी. और माराडोना और रैशफोर्ड के रहते हुए भी फिनिशिंग नहीं कर पा रहे हैं रोहन. और ये तीसरा गोल, थ्री फोर थ्री अटैक पे चले गए हैं, यहाँ 3-4-1-2 फॉर्मेशन पे चले गए हैं यहाँ पे रोहन. मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी करनी चाहिए थी इतनी हड़बड़ी, क्योंकि और एक लेग बाकी है.
अगर इस मैच में आप 2-0 पीछे भी हो तो दूसरे लेग में आप कमबैक कर सकते हो, मगर पहले मैच में ही अगर पहले लेग में ही अगर आपने ज्यादा गोल्स कंसीड कर दिए तो वापस आने का मौका नहीं रहता। अमन अपना एक्सपीरियंस पूरा यूज करते हुए, मैंने पहले ही मैच प्रेडिक्शन में बोला था कि अमन 3-4 सालों से फीफा खेल रहे हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। रोहन का ये फर्स्ट टूर्नामेंट है। और एक लंबा थ्रू बॉल, मगर कोई चांस नहीं। राइट ब्लैक ट्रेवर से अटैक, बॉक्स के अंदर जोआओ फिलिक्स को अकेले मिल गया था, मगर फिर भी उन्होंने बैक पास दे दिया, मगर यहां एक पेनल्टी मिल गई है। रोहन शर्मा को वापसी का मौका, केविन डी ब्रूने ले रहे हैं, शायद गोल कर दे, और गोल, जबरदस्त पेनल्टी। गोलकीपर भी उस तरफ ही कूदे थे, मगर फिर भी गोल कर दिया है यहाँ रोहन शर्मा ने। गेम के सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। अमन वारसी के पास 3-1 से लीड है, मगर इसके बाद और एक लीड लेग है, सेकंड लेग में देखते हैं क्या होता है। और बहुत अच्छी पासिंग, क्या और एक गोल कर सकते हैं अमन, यहाँ ओपन है उधर एम्बापे, एम्बापे उधर ओपन थे, पास नहीं दिया उनको, पता नहीं नेमार से वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, शायद ड्रिबल करके सोच रहे थे कि नेमार को लेके घुस जाए। अगर वो बॉल बढ़ा देते, थ्रू बॉल बढ़ा देते उधर एम्बापे को, तो शायद उनको चौथी गोल मिल सकती थी। बहुत अच्छी पासिंग यार नेमार से एम्बापे, आखिरी चांस यहाँ रोहन के पास, बहुत अच्छा शील्डिंग वहां, मगर अच्छी डिफेंडिंग और मैच खत्म। 3-1 से आगे हैं अमन। पहले लेग में हमने देखा कि अमन पूरा कंट्रोल रख रहे हैं, पोजीशन भी अच्छी रखी है और फिनिशिंग भी अच्छी की है। जब तीनों आके एक साथ मिलते हैं तो आपको स्कोर गोल्स मिलेंगे ही। पासिंग भी बहुत अच्छी की है अमन ने, रोहन को चांसेस मिले थे फर्स्ट हाफ में, उन्होंने एक बार में मारा, पोस्ट में मारा, और सेकंड हाफ में भी उनको ओपन चांसेस मिले थे, पता नहीं वो बॉक्स के अंदर जाके क्यों बैक पास खेल रहे हैं। जब आप ओपोनेंट के बॉक्स में हैं और ओपन आपको गोलकीपर मिल रहा है 1:1, तभी आप फिर प्लेयर ढूंढने की वजह खुद शॉट ले लेना चाहिए, तो फिर रिबाउंड के भी चांसेस रहते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो बॉक्स के अंदर ओपन चांसेस में क्यों बैक पास खेलने जा रहे हैं, शायद ज्यादा श्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक गोल लाइन सेव भी किया अमन वारसी ने, बहुत अच्छी डिफेंडिंग रही है अमन की, पेनल्टी ऑलमोस्ट रोक दिया था रोहन शर्मा का, मगर रोहन शर्मा अभी 3-1 से वापसी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मैच में वापस आने की, सेकंड लेग में देखते हैं, अगर वो 2-0 कर पाते हैं तो फिर नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। दूसरा लेग अभी शुरू होने वाला है, और अगर आप फीफा के छोटे छोटे वीडियोस देखने चाहते हैं या फिर खुद के अपने वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं तो जोश ऐप जरूर डाउनलोड करें, और उस पर आप अपने वीडियोस या फिर अपने गोल के वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और अपनी फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अमन एक्सपीरियंस प्लेयर है, 4-5 सालों से फीफा खेल रहे हैं, टूर्नामेंट्स बहुत सालों से खेल रहे हैं, तो उनके पास वो अनुभव है फीफा खेलने का, टूर्नामेंट्स खेलने का वो एक्सपीरियंस है, और वो ही काम में लगा रहे हैं वो।
अभी इस मैच में हमने देखा कि अमन स्टार्टिंग से ही जितने चांसेस मिले हैं वो ऑलमोस्ट सब फिनिश कर दे रहे हैं, थोड़ा भी नहीं चांस छोड़ रहे हैं, और ऐसे ही अगर खेलते रहे तो मुझे लगता है कि वो आराम से ये मैच निकाल देंगे। और उनके पास इससे पहले भी टूर्नामेंट्स खेलने के बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस काम में लगेगा। और रोहन का मैंने हमने जितना देखा है कि वो फिनिशिंग बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत चांसेस मिले इनको बॉक्स के अंदर, 1:1 मिल रहा है मगर वो हड़बड़ी कर दे रहे हैं और मिस कर दे रहे हैं। डिफेंडिंग सेकेंड मैच में अगर डिफेंस ठीक कर पाए और फिनिशिंग थोड़ा बेटर कर पाए तो फिर चांस है अमन के, रोहन के पास चांस होगा कि वो 2 गोल दे सके और मैच में कमबैक कर सके। मगर जैसा जितना अभी तक देखा है हमने पहले लेग के बाद, लगता है कि अमन इस मैच को आराम से निकाल देंगे जैसा वो खेल रहे हैं और जैसे उनकी फिनिशिंग है। और डिफेंडिंग भी मैं बोलूँगा बहुत अच्छी कर रहे हैं अमन, उतना ही खराब कर रहे हैं रोहन। टैकल्स उनके पहले ही चले आ रहे हैं, स्ट्राइकर्स घुसने से पहले ही वो टैकल कर दे रहे हैं और उसी लिए पेनल्टी भी मिली थी अमन को, तो वो देखना पड़ेगा उनको। और ऑफसाइड ट्रैप बिल्कुल नहीं यूज़ करते, तो कभी कभी उसी लिए लॉन्ग बॉल्स खेल दे रहे हैं अमन और घुस जा रहे हैं, तो वो थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा रोहन को कि वो ऑफसाइड ट्रैप यूज़ करे और डिफेंस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे ताकि गोल स्लिप ना करे सेकेंड हाफ में, सेकेंड लेग में। अभी सेकेंड लेग कुछ ही देरों में स्टार्ट होने वाला है और जो भी प्लेयर्स अभी आगे जा रहे हैं राउंड 3 में हमको कुछ धमाकेदार मैचेस देखने को मिलेंगे। चरणजोत सिंह इंडिया के बेस्ट प्लेयर, सारांश जैन जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया, तो जो भी यहां जीतेगा उसके पास मौका है थर्ड राउंड में बेस्ट प्लेयर से खेलने का। Yeah, thank you, Derek. Looking forward to today. Should be in for a good game. Let's hope we see a quick start from both teams. दूसरे लीग में 2 गोल की जरूरत है रोहन वारसी को। रोहन खेल रहे हैं व्हाइट जर्सी में, माराडोना के साथ अटैक की कोशिश, मगर वहां अच्छी डिफेंडिंग, बहुत जबरदस्त डिफेंडिंग। टीम बहुत अच्छी है रोहन की मगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। टॉप हाफ में माराडोना है, माराडोना से गोल्स उनको निकालने चाहिए। रेनातो सांचेस को बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं अनवासी, अटैकिंग हाफ में भी ला रहे हैं और उनको डिफेंस में भी वापस खींच के लाते हैं जब डिफेंस करना होता है। और एक बहुत अच्छी पास यहाँ एम्बापे को, वाल्वार्डे को भी मिडफील्ड में खिला रहे हैं अमन वारसी, रोनाल्डो को पास दिया है, देखते हैं क्या उसके साथ घुस पाते हैं गोल के अंदर। बहुत अच्छी डिफेंडिंग यहाँ, यही करना होगा रोहन शर्मा को अगर वो कमबैक करना चाहते हैं, ऐसे ही डिफेंड करना होगा ताकि वो मैच में बने रहे। और माराडोना को पास, पहले ही पास कर दे रहे हैं, थोड़ा बॉल रख के खेलना होगा उनको। केविन डी ब्रुइने के पास बॉल, गोल का मौका है, थोड़ा हड़बड़ी कर दे रहे हैं पासिंग में और बॉक्स के अंदर है, शॉट लेना चाहिए और लिया। यही गलती कर रहे थे रोहन फर्स्ट मैच में, एक बार भी शॉट नहीं ले रहे थे गोल में, बॉक्स के अंदर घुस रहे थे मगर बैक पास कर रहे थे, शॉट नहीं ले रहे थे। अभी उन्होंने वो गलती सुधारी है। उन्होंने अपनी मिस्टेक को एड्रेस किया है कि बॉक्स के अंदर वो शॉट नहीं ले रहे थे और सेकेंड मैच में अभी उन्होंने लेना चालू कर दिया है, अगर यही करते रहे तो वो मैच निकाल सकते हैं। अमन वारसी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ गया होगा क्योंकि वो 1-2 गोल की लीड पे थे, अभी 1 गोल सिर्फ लीड है। बॉल बाहर, फिर से अटैक कर रहे हैं रोहन शर्मा, बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं रेनातो सांचेस को
और वालवादे को अमन वारसी बॉल रख रहे हैं, पोजीशन में रख रहे हैं। और एक जबरदस्त पास और रोनाल्डो को गोल। अमन वारसी ने लीड ले लिया है क्रिकेट में 3-1 से। सॉरी माफी चाहूंगा, 4-2 से लीड ले लिया है। पहला मैच वो जीते थे 3-1 और इस मैच में 1-1 चल रहा है। उनके पास अभी भी 2 गोल्स की लीड। बहुत अच्छी पास वहां, देखते हैं क्या अमन वारसी और एक गोल निकाल सकते हैं यहाँ। बहुत अच्छी ड्रिबलिंग वहां नेमार से। और अब लग रहा है कंट्रोल वापस आ रहा है अमन के पास। अमन एक के बाद एक अटैक्स किए जा रहे हैं। मैच के पहले 20 मिनट में हमने देखा था कि अमन शर्मा बहुत अटैक कर रहे थे और बहुत जबरदस्त किल वहां और ऑफसाइड। पहले 20 मिनट में हमने देखा था कि रोहन शर्मा बहुत अच्छा अटैक कर रहे थे और लग रहा था कि वो वापसी कर सकते हैं मैच में। एग्रीगेट स्कोर चल रहा है 4-2। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो बोल दूं पहले लेग में अमन वारसी ने 3-1 से मैच जीता और अभी ये दूसरा लेग चल रहा है जहां पे स्कोर 1-1 है। येलो जर्सी के साथ खेल रहे हैं अमन वारसी और व्हाइट जर्सी के साथ खेल रहे हैं रोहन शर्मा। और एक चांस और ये गोल। अमन वारसी ने अभी 3 गोल के लीड ले लिया और लगता है इस मैच में वो और गोल्स कर सकते हैं। जैसे वो अटैक कर रहे हैं लग रहा है कि वो बहुत अच्छी ड्रिबलिंग रोहन शर्मा से। गोल थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा रोहन शर्मा को, अभी भी 2 गोल से पीछे हैं एग्रीगेट में, शायद सेकेंड हाफ में वापस आ पाए। और ये फर्स्ट हाफ की समाप्ति। ज्यादा पोजीशन रहा है अमन वारसी के पास 61%। वो अपने पास पोजीशन रख के खेलना पसंद करते हैं। दोनों ने ही गोल्स पे 2-2 शॉट लिए हैं और दोनों बार फिनिश हो गए हैं। शॉट कन्वर्शन रेट 100% है दोनों का। Rashford and the Lions in a dangerous position potentially. Sissoko. और मारडोना के साथ फिर से अटैक की कोशिश कर रहे हैं रोहन। यहाँ और फ्री किक मिलेगा रोहन को। एक पॉज लिया है अमन वारसी ने। 4-2-3-1 खेल रहे हैं रोहन शर्मा और 4-4-2
दोनों ही प्लेयर्स को, दोनों ही प्लेयर्स ने इस मैच में अटैकिंग खेला है, दोनों ही गोल्स के लिए जा रहे हैं। लीड थी 3-1 की अपन के पास, वो और गोल्स की के लिए ट्राई कर रहे हैं। और एक शॉट फ्री किक मतलब मारा, दोनों से आगे नहीं जा पाए। Well, no doubt about it, Lee. Cristiano Ronaldo in that first half deserving all the superlatives. Mendy. Mbappe. For a chance, someone ke pass. Really vital interception here. Walker. Now with Kimmich. Well, sloppy in possession. Sissoko. De Bruyne. And now Rashford. ये गोल यहाँ अगर मिल जाए रोहन को, वो सिर्फ दो गोल से पीछे हैं, एक गोल मिल जाए तो मामला टाइट हो सकता है। से पहला मैच जीता था अमन वारसी ने, अभी दूसरे मैच ड्रॉ चल रहा है, एग्रीगेट में दो गोल से आगे हैं अमन वारसी। अगर एक गोल मिल जाए रोहन शर्मा को तो फिर लास्ट कुछ मिनट्स नर्वस हो सकते हैं अमन वारसी के लिए। अभी पॉज लिया है रोहन शर्मा ने, शायद वो अटैकिंग जाना चाहते हैं, ऑल आउट जाना चाहते हैं। लास्ट मोमेंट, लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि लास्ट 20 मिनट वो 3-4-3 खेल रहे थे, उनका फॉर्मेशन है 4-2-3-1। और बहुत जबरदस्त पास और जबरदस्त गोल, सिर्फ एक गोल चाहिए उनको। अगर उन्होंने एक गोल कर दिया तो क्रिकेट में दोनों के स्कोर लाइन सेम हो जाएंगे। मगर अवे गोल्स रूल में अमन वारसी आगे हैं, क्योंकि अमन वारसी ने रोहन शर्मा के होम पे दो गोल्स मारे हैं, जबकि अमन वारसी के होम पे रोहन शर्मा ने सिर्फ एक गोल किया था। तो अवे होम अवे रूल्स अगर देखे तो अगर ड्रॉ भी रहा मैच तो फिर अमन वारसी आगे चले जाएंगे, मगर पहले एक गोल की जरूरत है। और पूरा अटैक पे चले जा रहे हैं, लेफ्ट विंग पे डेविस, क्योंकि लेफ्ट बैक है, उनको लेफ्ट बैक लेफ्ट विंग पे रख दिया है, लेफ्ट मिडफील्डर बना दिया है। एग्रीगेट में सिर्फ एक गोल से अभी पीछे हैं रोहन शर्मा, 20 मिनट है उनके पास, पोजीशन उनके पास सिर्फ 40% है मैच में, आप देख सकते हैं। मगर तीन शॉट्स मिले हैं, तीनों बार उन्होंने उन शॉट्स को गोल में कन्वर्ट किया है। इस मैच में बहुत अच्छा खेला है रोहन शर्मा ने, पहला मैच में बहुत मिस कर रहे थे, मगर सेकंड मैच में उतना ही अच्छा खेल रहे हैं, उतनी अच्छी फिनिशिंग हुई है उनकी। अभी अटैक बना रहे हैं अमन वारसी, चाहेंगे कि उनको एक गोल मिल जाए और मैच
बहुत अच्छी पास यहाँ रोहन शर्मा की। अभी तक जोश प्रेजेंट्स ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक फासोस एंड ओवन स्टोरी। ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज में हमने देखा है कि अभी तक कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ, तो दो लेग्स के बाद ये पहला हो सकता है अगर रोहन शर्मा ने एक गोल कर दिया तो। वो अभी भी एग्रीगेट में एक गोल पीछे हैं। पहला मैच बार्सी ने 3-1 से जीता था। A pass that lacks quality and teammates to play it to. Time really is of the essence. What can they do? 7 minutes game ke baki hai. Inhi 7 minute mein ek goal dhoondna padega Rohan Sharma ko. And he's fired over the corner. Actually, two goals chahiye Rohan Sharma ko agar wo next round mein qualify karna chahte hain to. क्योंकि अवे गोल्स में अमन वारसी आगे हैं। Wonderful tackle. Just listen to the fans here, Derek. They've just kept their noses in front and these fans are doing their best to push them to the final whistle. Keeping से अटैक कर रहे हैं रोहन शर्मा, देखते हैं क्या वो गोल कर सकते हैं या नहीं। सिर्फ 4 मिनट बाकी है। Inside the final 2 minutes of this contest. Renato Sanchez and Valverde. Forward will they go chasing the game. And Renato Sanchez. और ये आखिरी मिनट गेम का। अमन वारसी एक गोल के लीड के साथ अभी भी आगे और एक चांस मिला है, लास्ट चांस। बहुत अच्छी डिफेंडिंग यहाँ और अमन वारसी मैच को एग्रीगेट मैच हार गए मगर एग्रीगेट में वो जीत गए हैं। दोनों लेग्स के टाई के बाद वो एक गोल से इस मैच को निकाल लिया है अमन वारसी ने। दोनों के बीच बहुत कांटे की टक्कर थी, दोनों ही थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ रहे थे। सेकंड लेग में बहुत अच्छा खेला रोहन शर्मा ने, 3 चांसेस मिले, तीनों बार उन्होंने फिनिश किया। पहला गोल ये केविन डी ब्रुइने से किया था रोहन शर्मा ने, यही वो लैक कर रहे थे पहले मैच में उनके पास भी बहुत मौके मिले मगर वो फिनिश नहीं कर रहे थे। दूसरे मैच में उन्हीं मिस्टेक्स को एड्रेस किया, जितने शॉट्स मिले उतने बार ही गोल किया उन्होंने। मैं कहूंगा रोहन शर्मा की स्लाइटली बेटर थी मगर फिर भी अमन वारसी ने अपने काम कंपोजर सब कुछ रख के आराम से मैच निकाला। लास्ट में थोड़ा नर्वस लग रहे थे जब एक गोल की लीड थी सिर्फ, मगर फिर भी अच्छी डिफेंडिंग करके मैच निकाल दिया। और ये मैच का रिजल्ट्स, अमन वारसी 5 रोहन शर्मा 4। पहला लेग अमन वारसी जीते थे 3-1 और दूसरा लेग रोहन शर्मा जीते 3-2, मगर एग्रीगेट में अमन वारसी आगे और वो पहुंच गए हैं राउंड 3 में, जहां पे पहले से ही बैठे हैं कुछ दिग्गज खिलाड़ी जैसे चरणजीत सिंह। जैसे मैं बोल रहा था, अमन वारसी इस मैच को जीतने के बाद पहुंच गए हैं राउंड 3 में और कल हमने देखा है कि ऑलरेडी कुछ बड़े प्लेयर्स पहुंच गए हैं राउंड 3 में जिनको फेस करना पड़ेगा अमन वारसी को। चरणजीत सिंह, सारांश जैन जो कि इंडिया के लिए, दोनों प्लेयर्स जो इंडिया के लिए को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इवन सेठ चंद्रना वो हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया ट्वाइस, ही इज आल्सो इन द थर्ड राउंड। सो इन कुछ बड़े प्लेयर्स के साथ कुछ पुराने प्लेयर्स जैसे अमन वारसी भी 4-5 सालों से नेशनल डोमेस्टिक सर्किट में और नेशनल लेवल पे खेलते आए हैं, तो देखते हैं कैसे होता है। और
अभी भी कुछ बड़े बड़े मैचेस बाकी है। सक्षम जो कि इंडिया के लिए मलेशिया में 2-2 टूर्नामेंट जीत के आए थे, उनके मैचेस आज देखने को मिलेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। वील कम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। esports.in ला रहा है इंडियाज योर लॉन्ग esports चैंपियनशिप esports प्रीमियर सीरीज 2021। ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना esports करियर शुरू कर सकता है। esports प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख, एंड हमारी कंसोल गेम है FIFA 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में FIFA के 2 ऑनलाइन क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000, और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट, और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द FIFA अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। esports.in ला रहा है इंडियाज योर लॉन्ग ईस्पोर्ट्स चैंपियनशिप ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज 2021। ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ईस्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख, एंड हमारी कंसोल गेम है FIFA 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में FIFA के 2 ऑनलाइन क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000, और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट, और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द FIFA अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। esports.in ला रहा है इंडियाज योर लॉन्ग ईस्पोर्ट्स चैंपियनशिप ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज 2021। ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ईस्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख, एंड हमारी कंसोल गेम है FIFA 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में FIFA के 2 ऑनलाइन क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000, और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट, और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द FIFA अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। जोश, ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell Energy. Josh presents Esports Premier Series co-powered by Hell Energy Drink, Fasos and Oven Story. हमने पहला मैच आज का देख लिया है, डे 3 राउंड 2 का। अमन वारसी 5-4 से जीत गए हैं रोहन शर्मा के साथ। अभी नेक्स्ट मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, और पहले बता दूं कि कल कौन कौन से प्लेयर क्वालिफाई कर चुके हैं। सारांश जैन क्वालिफाई कर चुके हैं, जो इंडिया के लिए 4 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनली, मालदीव्स में, मलेशिया में, सिंगापुर में और जर्मनी में।
और चरण जोत ने भी क्वालिफाई किया है, जो 2-2 चैंपियनशिप जीते थे मलेशिया में सक्षम के साथ, और AFGC एशियन फुटबॉल गेमिंग चैंपियनशिप में भी लास्ट ईयर विनर थे, तो वो भी क्वालिफाई कर गए हैं राउंड 3 में, और उनको ज्वाइन करेंगे अवन वारसी। उसके साथ राजेंद्र, जिन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला कल, और वो भी है राउंड 3 में। अभी नेक्स्ट मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तब तक आप अगर आप AS80 कोड यूज कर सकते हैं और फ्लैट ₹80 डिस्काउंट मिलेगा आपको फासोस वेबसाइट में, ओवन स्टोरी वेबसाइट में और ओवन स्टोरी ऐप में। और अगर आप खुद के वीडियोस बनाना चाहते हैं या फिर अपने छोटे छोटे फीफा के गोल्स के वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं तो फिर जोश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फॉलोइंग भी बढ़ा सकते हैं। और ईस्पोर्ट्स अभी करण सिंह और आदित्य चड्ढा का मैच है। करण सिंह जो राउंड 1 में बहुत अच्छा खेले थे और 4-2 से जीते हैं, अभी उनके साथ मैच होगा आदित्य का। करण सिंह बॉम्बे से है और बहुत सालों से फीफा खेल रहे हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा। तो प्रिडिक्शन, मैच प्रिडिक्शन अगर बोले तो मुझे लगता है करण सिंह ही इस मैच में आगे रहेंगे। अभी ब्रैकेट्स पे एक बार नजर डालेंगे हम लोग। जैसा मैं बोल रहा था, चरणजोत ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं राउंड 3 के लिए, इंडिया के बेस्ट प्लेयर हैं करंट। उसके बाद जोसेफ जॉय नागपाल, रंजन महापात्रो, सिद्ध चंद्रना जो कि मेसर्ट ओजिल की टीम में खेलते हैं, इमाद जमील, सारा सारांश चैन और अमन वारसी ऑलरेडी राउंड 3 में हैं। अगर करण सिंह आदित्य चड्ढा के साथ जीतते हैं तो वो भी पहुंच जाएंगे राउंड 3 में। और जैसा ये दिख रहा है, अभी भी कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स के मैच बाकी है राउंड 2 में। फादिल अफरीदी जो बैंगलोर फीफा क्लब में खेलते हैं, सक्षम जो कि इंडिया के लिए मलेशिया में जीते थे 2-2 चरणजोत के साथ पार्टनरशिप करके, वो भी खेलेंगे। और सागनिक बैनर्जी का भी मैच है जो वीकेंड लीग में लगातार 27 विंस करते रहते हैं। करण सिंह का हमने जितना गेम देखा है वो ज्यादा पोजीशन रख के फिर गेम बनाना पसंद करते हैं और ज्यादा अटैकिंग खेलेंगे। आदित्य चड्ढा का मैंने मैच पहले देखा नहीं है, तो देखते हैं कैसा खेलते हैं वो। Josh presents Esports Premier Series, co-powered by Hell Energy Drink, Oven Story and Fasos. We want to thank our sponsors. और अगर आप food order कर रहे हैं तो please AS80 code use करें और आपको Oven Story website पे या फिर Fasos website पे flat discount मिलेगा, and that this discount code is valid till December 31st 2021. तो पूरे साल आप ये code use कर सकते हैं और आपको ₹80 डिस्काउंट मिल जाएगा फासोस वेबसाइट पे, ओवन स्टोरी वेबसाइट पे और ओवन स्टोरी के ऐप पे। और अगर आप छोटे छोटे वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर खुद के वीडियोस बनाना चाहते हैं तो फिर जोश ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे फुटबॉल के वीडियोस भी वहां मिलेंगे। और अगर आप अपने गोल्स, फीफा के गोल्स वहां अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और अपनी फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। करण सिंह बहुत सारे नेशनल टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, टॉप 4 सेमीफाइनल्स तक भी बहुत बार पहुंचे हैं, अभी तक जीते नहीं हैं किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में, मगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। तो इस मैच में ज्यादा करण का ही पल्ला भाग रहेगा। और मैच स्टार्ट हो गया है, करण सिंह खेल रहे हैं व्हाइट जर्सी के साथ। सॉरी, करण सिंह खेल रहे हैं रेड जर्सी के साथ। और पहले ही अटैक मिल गया है, चांस भी मिल गया था गोल का, मगर वापस आ गए। आदित्य चड्ढा की टीम में है रोबर्टो फर्मिनियो जो अब कैंसेलर को विंग में खिला रहे हैं राइट बैक में, कांते हैं उनकी मिडफील्ड में, रोनाल्डो स्ट्राइकर में। और
जोआओ कैंसिले को पूरा ऊपर लेके आ गए हैं और एक गोल का चांस और ये गोल फ्रैंकी डी जोंग के द्वारा। पहले राउंड के मैच की तरह करण सिंह फिर 1-0 डाउन है। मैं बता दूं पहले राउंड में भी करण सिंह पीछे चले गए थे मगर फिर धीरे धीरे वापस आए। अब देखते हैं आदित्य चड्ढा के साथ भी सेम ही करते हैं कि नहीं। और फिर दूसरा अटैक आदित्य का, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेके आ रहे हैं आदित्य। और अगर आप देखें उनके विंगर्स भी ऊपर चढ़ जा रहे हैं, सिर्फ दो डिफेंडर वापस पीछे रह रहे हैं। अटैकिंग खेलना पसंद करते हैं आदित्य। फ्री किक का चांस, बहुत अच्छा फ्री किक लिया था करण ने। थ्रो बॉल की कोशिश मगर वहां अच्छी डिफेंडिंग की। माने को लेके अब ये टैग बना रहे हैं करण सिंह। जैसा मैंने बोला था करण पोजीशन रख के खेलना पसंद करते हैं और आदित्य काउंटर्स पे हिट कर रहे हैं। बहुत अच्छी डिफेंडिंग वहां। कांते से बॉल रोनाल्डो और एक चांस है गोल के लिए आदित्य के पास और ये दूसरा गोल। स्ट्राइकर में यूसीबीओ है और उसको जबरदस्त यूज कर रहे हैं। दो गोल से आगे हो गए हैं। क्या करण सिंह पहले राउंड की तरह इस मैच में भी कमबैक कर पाएंगे, देखते हैं। लेग के पहले मैच में ही उन दो गोल्स कंसीड कर दिए यहां। आदित्य बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं अपने स्ट्राइकर्स को, यूसीबीओ को और रोनाल्डो को। पहला गोल फ्रैंकी डी जोंग से किया था, दूसरा गोल यूसीबीओ और एक चांस। रोनाल्डो को पास दे सकते थे, खाली थे वहां रोनाल्डो बॉक्स के अंदर। अच्छा स्किल कर रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस के साथ। अभी काउंटर पे आगे बढ़ रहे हैं करण। और एक काउंटर का चांस अभी है करण के पास, देखते हैं। एम्बापे रोनाल्डो नेमार
तीनों अच्छे स्ट्राइकर्स हैं ऊपर। बॉल होल्ड करके खेल रहे हैं करण सिंह जैसा खेलते हैं पोजीशन लेके, मगर फाइनल थर्ड में कोई चांसेस नहीं बना पा रहे। वही रोनाल्डो से अटैक ले लिया है आदित्य ने, बॉक्स के अंदर अच्छी ड्रिबलिंग, अभी भी चांस है। बहुत अच्छा ट्राई, पीछे यूसीबीओ थे और एक गोल ब्रूनो फर्नांडिस का। 3-0 से लीड ले लिया है आदित्य ने। रोनाल्डो, एम्बापे, नेमार, ब्रूनो फर्नांडिस, रॉबर्टो फर्मिनियो, टीम दोनों की ही अच्छी है, मगर थोड़ा मैं आगे रखूंगा आदित्य को क्योंकि उनके स्ट्राइकिंग लाइनअप में यूसीबीओ है। एक अच्छे आइकॉन का होने से उनको और एडवांटेज मिल रहा है, मगर ऑल इन ऑल उनका गेम प्ले बहुत अच्छा रहा है। वो शुरू से ही अटैकिंग मोड में खेल रहे हैं, शुरू से ही इंटेंट भी दिखाया अटैक का। विंगर्स भी आगे ला रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं विंगर्स, तो शुरू से ही गोल के लिए ट्राई कर रहे थे। करण का गेम थोड़ा सा डिफेंसिव लगा है, तो शायद गोल रोकने में और पोजीशन रखने में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, मगर आदित्य ऑल आउट जा रहे हैं यार। और एक चांस और एक गोल। मैं अभी यूसीबीओ की बात कर रहा था और देखा आपने की जबरदस्त फिनिशिंग यूसीबीओ से। पुर्तगाल के आइकन खिलाड़ी है यूसीबीओ। चार गोल्स कर दिए हैं आदित्य ने, ये और एक गोल के लिए कोशिश। बॉल मिला है, बहुत इजी चांस था, मगर यहां मिस कर दिया आदित्य ने, नहीं तो पांचवा गोल मिल जाता। कोशिश कर रहे हैं कमबैक करने के लिए। रेड इज सो करण चार गोल से अभी हार रहे हैं, पीछे हैं, और 4-1 कर दिया है अभी। एक गोल वापसी की है करण ने, आदित्य के पास लीड है 4-1 का। बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं यूसीबीओ को, फ्रैंकी डी जोंग को, एक पहला गोल किया था उन्होंने फ्रैंकी डी जोंग से आदित्य ने, दूसरा गोल रोनाल्डो से, फिर यूसीबीओ और ब्रूनो फर्नांडिस से गोल किया है आदित्य ने। और एक गोल का चांस, बहुत अच्छा सेव ऑन ह्यूगो लोरिस से। करण को ऐसे ही सेव्स करने पड़ेंगे अगर वो मैच में वापस आना चाहते हैं तो। इसके बाद भी एक लेग मिलेगा तो चांस है अभी भी कमबैक करने के लिए, अगर डिफेंडिंग ठीक से कर पाए करण। बहुत अच्छी पासिंग यहाँ, बहुत ही पिन पॉइंट पासिंग की है अभी तक आदित्य ने, मिस पास बहुत ही कम किए हैं, स्कोर लाइन भी वही दर्शा रहा है। फिनिशिंग भी जबरदस्त हुई है,
और एक अटैक बनाते हुए और अच्छी डिफेंडिंग वहां करण से। सिक्सटीन मिनट्स बाकी हैं अभी भी, देखते हैं क्या करण और लीड को कम कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ एक काउंटर का मौका आदित्य के लिए और जबरदस्त पास और जबरदस्त स्कोर। ये दूसरा गोल किया उन्होंने रोनाल्डो के साथ, 5-1 की लीड है। राजधानी एक्सप्रेस की तरह आगे दौड़ रहे हैं, चांस ही नहीं दे रहे हैं करण को पकड़ने का। और एक जबरदस्त पास और एक गोल मिल सकता है, वहां फ्री किक मिलेगा और शायद रेड कार्ड मिले क्योंकि लास्ट डिफेंडर लास्ट मैन थे और रेड कार्ड। ऑलरेडी 5 गोल से पीछे हैं, उसके ऊपर रेड कार्ड। करण सिंह इस मैच में सब कुछ उनके लिए गलत जा रहा है, मगर अच्छी डिफेंडिंग की है यहाँ उनको। बस इस मैच में कोशिश करनी चाहिए कि और गोल ना खाए ताकि सेकंड लेग में वो थोड़ा कमबैक कर कोशिश करें। इस मैच में तो पूरा ही दबदबा बना दिया है आदित्य ने। मैच के सिर्फ 5 मिनट बाकी है, पोजीशन खेलना पसंद करते हैं करण सिंह, मगर इस मैच में चांस नहीं मिला। और एक गोल का चांस और एक गोल, साइड ट्रैप यूज कर रहे थे आदित्य मगर यहाँ काम नहीं आया और लीड थोड़ा कम किया है करण ने। और 5-2 से पहला मैच जीत गए आदित्य। दूसरे मैच में कमबैक करने, दूसरे लेग में कमबैक करने के लिए करण को 3 गोल्स की जरूरत है। डिफेंडिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे और आदित्य चड्ढा शुरू से ही ऑल आउट अटैक खेल रहे थे, विंगर्स ओवरलैप कर रहे थे। मतलब उन्होंने शुरू से ही ठान लिया था कि उनको स्कोर करना है और वैसा ही खेले वो। करण बहुत डिफेंसिव लग रहे थे फर्स्ट हाफ में, पोजीशन रखने की कोशिश कर रहे थे मगर रख नहीं पा रहे थे। और सेकंड हाफ में तो डिफेंस चारों तरफ, चला गया ठीक से वो डिफेंड नहीं कर पाए करण सेकंड हाफ में, और इसीलिए आदित्य ने लीड और बढ़ा ली। करण को इस मैच में कोशिश करना पड़ेगा कि वो डिफेंस अच्छा से कर सके। जोश प्रेजेंट्स ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक, ओवन स्टोरी एंड फासोस। आप चाहे तो फीफा के लिए और एक क्वालिफायर है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और जीत सकते हैं 50,000 रुपए।
और इन दो क्वालिफायर्स के विनर्स क्वालिफाई करेंगे लैंड फाइनल्स के लिए जो होगा बॉम्बे में दिसंबर में। करण सिंह बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस है और इस पूरे टूर्नामेंट में लगता है पहली बार ऐसा होगा कि प्रेडिक्शन मेरा सही नहीं जाने वाला है, क्योंकि मुझे लगा था करण सिंह आराम से ये मैच निकाल देंगे, मगर आदित्य चड्ढा जिनको मैंने पहले देखा नहीं था, जिनका गेम प्ले पहले नहीं देखा था, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। दूसरा मैच अभी स्टार्ट होने वाला है और करण सिंह को 4 गोल स्कोर करने पड़ेंगे। मुझे लगता है पहले उनको कोशिश करनी चाहिए कि 3 गोल्स करके इस सेकेंड लेग में एटलीस्ट वो 5-5 कर सके, फिर अगर वो थर्ड मैच में जाता है गोल्डन मुगल में तो फिर वो प्लानिंग कर सकते हैं दूसरा। अभी उनको 3 गोल की ज़रूरत और उनका पोजीशन प्ले इस बार चलेगा नहीं, उनको शुरू से ही अटैक में जाना है। ब्लैक जर्सी से खेल रहे हैं आदित्य, बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं अपने लेफ्ट बैक और राइट बैक को। देखिए उधर लेफ्ट बैक ने ऑलरेडी रन ले लिया है और उनको ही पास दिया है, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्राई था मगर क्रॉस ठीक से नहीं कर पाए। फिर लगता है वहां पास भी कर सकते थे, वो उनके पास मौका था। अब देखिए किस तरह से विंगर्स को यूज कर रहे हैं, जो आप कैंसिल हो अभी ऊपर आ गए हैं, ओवरलैप करा रहे हैं अपने विंगर्स को, और करण सिंह जो पोजीशन रखना पसंद करते हैं उनको एकदम पोजीशन का मौका नहीं दे रहे। उधर देखिए लेफ्ट बैक ऊपर आ गया है, रूसी को लेके अंदर गोल का मौका मगर अच्छी डिफेंडिंग। करण सिंह अगर मैच में वापस आना चाहते हैं तो उनको बहुत अच्छी डिफेंडिंग करनी पड़ेगी। राइट बैक जो आप कैंसिल को ऊपर लेके आए बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं विंगर्स को। लेफ्ट साइड से अटैक, यूसी भी अंदर आ गए हैं और गोल मिलेगा, हाँ मिल गया गोल, 4 गोल से आगे हो गए हैं आदित्य। मैंने पहले ही बोला था शुरू से अटैकिंग खेलते हैं, विंगर्स को बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं राइट बैक लेफ्ट बैक को, और थोड़ा भी डिफेंस नहीं करना चाहते, शुरू से अटैकिंग खेल के और गोल्स करना चाहते हैं आदित्य, बहुत ही पॉजिटिव प्लेयर हैं, उनका गेम देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मोस्ट प्लेयर्स लीड मिलने के बाद थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं, कंसीड ना करते हैं, मगर वो एक गोल से शांत नहीं होते, वो और गोल के लिए ट्राई करते हैं। चार गोल्स की लीड है अमन के पास, आदित्य के पास, और यहाँ और एक मौका और एक गोल, 2 गोल से आगे हो गए हैं आदित्य और एग्रीगेट में 5 गोल से आगे हैं। चांस ही नहीं दे रहे हैं करण को, एक फ्री किक का मौका करण को, और
करण अभी इस मैच में बहुत पीछे चले गए हैं, लगता नहीं कि वापसी कर पाएंगे। नेमार को लेके अटैक बनाने की कोशिश, उनका पोजीशन प्ले इस मैच में थोड़ा भी काम नहीं आया है। पिछले मैच में भी जब भी आदित्य को बॉल मिली है लगता है गोल कर देंगे। और एक चांस था, और एक गोल। 8-2 से आगे हो गए हैं। गोल्स दाग दिए हैं इस लीग में, ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर लाइन होने वाला है। अभी तक 7-1 सबसे बड़ा स्कोर लाइन था, मगर अभी 9-2 हो गया है। इससे पहले हमने राउंड 2 में देखा था 6 गोल से प्लेयर्स को जीतते हुए, मगर ये 7 गोल से आगे हो गए हैं। बहुत अच्छी स्किल्स, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर लाइन होने वाला है 9-2। अब तक 7-1 दो प्लेयर्स को हमने देखा था कि 7-1 से जीतते हुए, जोसेफ को हमने देखा था कि 7-1 से मैच जीतते हुए, मगर लगता है ये सबसे बड़ा स्कोर लाइन होने वाला है। थोड़ा भी चांस नहीं मिला है करण को। आदित्य चड्ढा जो कि नए प्लेयर है बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और एक पास, इंगल्स को बहुत अच्छा यूज किया है, शुरू से ही अटैकिंग खेल रहे आदित्य, और शायद उनको और एक गोल मिल जाए, शायद डबल फिगर्स में चले जाए जैसा खेल रहे हैं। और स्कोर लाइन डबल फिगर्स में चला गया, 10-2 की लीड ले ली है आदित्य चड्ढा ने। आमिर खान की नई मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, वो कितनी चलेगी पता नहीं, मगर ये आदित्य चड्ढा तो चल गया। 10 गोल इन्होंने मार दिए हैं इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर लाइन, और करण सिंह
बहुत पुराने प्लेयर्स हैं, बहुत टूर्नामेंट्स खेलने का उनको एक्सपीरियंस है, मगर लग रहा है आज उनका गेम नहीं चल रहा है। ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का ये सबसे बड़ा स्कोर लाइन, अभी तक 2 प्लेयर 7-1 से जीते थे, मगर ये पहली बार होगा कि कोई 10-2 से जीत रहा है। मैच के पहले मिनट में ही स्कोर कर दिया था आदित्य ने, इंटेंट पूरा क्लियर कर दिया था क्या करना चाहते हैं, शुरू से ही अटैकिंग खेल रहे हैं। और सिर्फ बड़े प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे हैं, बड़े प्लेयर्स देख भी रहे हैं। ध्रुव सक्षम जो कि बड़े बहुत बड़े बड़े प्रो प्लेयर्स हैं, इवन लोकमान्यु जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनली, और सक्षम जो मलेशिया में जीत चुके हैं, वो सभी मैच देख रहे हैं। सक्षम का मैच होने वाला है कुछ ही देर में। दस्तों से आगे हैं आदित्य यहाँ, पहले मैच में उन्होंने 5-2 से मैच निकाला था, और अभी दूसरे मैच में भी 5 गोल दाग दिए हैं। टूर्नामेंट में पहली बार डबल फिगर्स में गया है स्कोर लाइन। विंग्स में पास जबरदस्त, 6 गोल के लिए ट्राई कर रहे हैं। और मैच 10-2 हुआ है, मैच का स्कोर लाइन। आदित्य चड्ढा जीत गए हैं 10-2 से, और करण सिंह पूरे ही व्हाइट वॉश्ड हो गए इस मैच में।
मैच में थोड़ी भी जगह नहीं मिली करण को, 10-2 से जीत लिया है अमन ने। और ये गोल्स की हाइलाइट्स, बहुत ही कुछ खूबसूरत गोल्स रोनाल्डो से, फर्मिनियो से। जबरदस्त स्किल, डिफेंडिंग बिल्कुल नहीं कर पाए करण सिंह। आदित्य चड्ढा 10-2 से जीत गए हैं करण सिंह के साथ। बहुत ही वन साइडेड था मैच, मगर स्टार्टिंग से ही अटैकिंग इंटेंट दिखाया था आदित्य चड्ढा ने, वो रुक नहीं रहे थे, वो अटैक पे अटैक किए जा रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे शुरू से गोल करने का, और वही हुआ। आज का दूसरा मैच हो चुका है और आदित्य चड्ढा ने 10-2 से जीत लिया, जो कि जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का सबसे बड़ा स्कोर लाइन है। और वी विल वी वांट टू थैंक द स्पॉन्सर्स, जोश ऐप, हेल एनर्जी ड्रिंक, फासोस एंड ओवन स्टोरी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस ह्यूज इवेंट। एंड अगर आपके पास छोटे छोटे वीडियोज है फीफा के, और अगर आपको खुद के वीडियोज अपलोड करने हैं जोश ऐप में, तो आप जा सकते हैं और प्लीज डाउनलोड कीजिए जोश ऐप और अपनी फॉलोइंग बढ़ाइए, खुद के वीडियोज भी बनाइए और अपनी फॉलोइंग भी बढ़ाइए। एंड वी विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। esports.in ला रहा है इंडियाज योर लॉन्ग ईस्पोर्ट्स चैंपियनशिप ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज 2021। ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ईस्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख, एंड हमारी कंसोल गेम है FIFA 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में FIFA के 2 ऑनलाइन क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000, और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट, और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द FIFA अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। होश। ये है जोश, ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। There was a time when I drank coffee, lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. आज खाने में वही। बिल्कुल सही। खाने में वही। बिल्कुल नहीं। आज बोरिंग नहीं। फासोस सिग्नेचर रैप्स है बिल्कुल सही। अनएक्सपेक्टेड माउथ वॉटरिंग कॉम्बिनेशंस, फ्लेवर्स में ऐसा जोर कि बाकी सब लगे बोर। फासोस सिग्नेचर रैप्स। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस। मैं बोल रहा था रविंदर से बॉलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन खेलो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द खेलो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम।
होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. जोश, ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस। मैं बोल रहा था रविंदर से बोलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेटर तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन खेलो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण, एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द खेलो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। esports.in Lara hai India's year long esports championship esports premier series 2021 ye open tournament hai jisme koi bhi participate karke apna esports career shuru kar sakta hai esports premier series ka total prize pool hoga 40 lakh and hamari console game hai FIFA 21 jisme bahut players participate karenge and aapke liye zabardast goal score karenge पूरे साल में फीफा के दो लैंड क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए। प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप टू स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द फीफा अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे।
Commentary by Lee Dixon. And without doubt, a match with the potential to bring genuine excitement. It's the Lions versus Real. Well, thank you, Derek. All the talking is done. Time now to put the coach's plans into action. Let's hope both teams really have a go at each other from the start of this match. It should be a cracker. Well, it looked highly promising, but they got nothing out of it. स्कॉट्स एफसी के साथ खेल रहे हैं शतेज और जिनेसिस्ता एफसी के साथ खेल रहे हैं क्षितिज क्षितिज यहां अटैक करते हुए रेड जर्सी के साथ और ब्लैक जर्सी में खेल रहे हैं शतेज क्षितिज के पास चांस है पहले ही गोल कर देने का बहुत अच्छी डिफेंडिंग वहां सतेज ने की है सतेज ब्लैक जर्सी के साथ काउंटर की कोशिश में बहुत अच्छा चांस वहां और एक गोल जबरदस्त गेम प्ले है वहां किस ऑफ से गोल किया है बहुत अच्छा वहां पे उन्होंने पासिंग किया और जिस तरह से सजाया है अपने गेम को बहुत ही लाजवाब सिर्फ 5 पासेस किए और 5 पासों में ही गोल में कन्वर्ट कर दिया सतेज यहां 1-0 से आगे अभी अटैक कर रहे हैं क्षितिज और एक चांस अभी क्षितिज के पास मिडफील्ड में वाइनल्डम को खिला रहे हैं ज्यादातर हमने देखा है कांते ब्रूनो फर्नांडेस और रेनातो सांचेस ये 3 प्लेयर्स हैं सबके मिडफील्ड में मगर वाइनाल्डम को खिला रहे हैं क्षितिज यहां क्षितिज का पहला गोल जबरदस्त था उनका पहले अटैक में ही उनको पहला गोल मिला और बहुत ही खूबसूरत गोल था स्टॉइचकोव से पहला गोल और अभी टैग पे जा रहे हैं क्षितिज रेड जर्सी में रैशफोर्ड को लेके आगे बढ़ रहे हैं क्षितिज कोशिश कर रहे हैं कि मैच में वापसी कर सके 1-0 से स्टार्टिंग में ही पीछे चले गए हैं जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ रहा है वैसे और अच्छे अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं जैसे हमने देखा लास्ट मैच में आदित्य चड्डा जो कि दोनों लेग्स में जिन्होंने 5-5 गोल स्कोर किए बहुत अच्छी डिफेंडिंग यहां सतेज से पोजीशन 75% है क्षितिज के पास सिर्फ 25% है सतेज के पास सतेज पूरा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं जोसे मोरिनियो स्टाइल में बॉल ज्यादा नहीं है सतेज के पास सिर्फ 25% की पोजीशन मगर गोल उनके खाते में और फुटबॉल में एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि आपके पास कितनी पोजीशन है
स्टैट्स मैटर नहीं करते कि कितने शॉट्स लिए हैं, मगर कितने गोल्स होते हैं। और अभी एक बहुत अच्छा चांस, मगर बहुत अच्छी डिफेंडिंग फिर से सतेज से। सतेज अच्छा डिफेंस कर रहे हैं और काउंटर्स में अटैक भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। अच्छी डीप डिफेंडिंग कर रहे हैं सतेज, वेट कर रहे हैं लास्ट मोमेंट तक। और एक काउंटर का चांस सतेज के पास, अच्छी डिफेंडिंग सतेज से। Shows presents eSports Premier Series को powered by Hell Energy Drink, Fasos and Omen Story. आप भी अगर register करना चाहते हैं FIFA में तो कर सकते हैं, और please channel को subscribe कीजिए, और आपको और बड़े बड़े players के matches देखने मिलेंगे। India के best player चरणजोत सिंह खेलेंगे round 3 में, already qualify कर चुके हैं। Sharan Jain जो India के लिए 4 बार represent कर चुके हैं, उनके भी मैच है round 3 में। और round 2 में कल खेलेंगे सक्षम, जो कि इंडिया के लिए 2-2 चैंपियनशिप जीत के आए थे मलेशिया में, और वो पहला इंस्टेंस था कि कोई इंटरनेशनल 2-2 टूर्नामेंट जीता है किसी इंडियन ने। सक्षम और चरणजोत मिल के जीत के आए थे वो टूर्नामेंट। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि एक ही सिर्फ शॉट लेने को मिला है सतेज को, और उन्होंने लीड ले लिया है 3-0 से। माइकल ओवन और स्टोइकोव दो आइकॉन्स सुपर स्ट्राइकर खिला रहे हैं सतेज, और ये क्षितिज की टीम रोनाल्डो है, यूसीवियो है, उनकी भी टीम बहुत जबरदस्त है, रैशफोर्ड ट्राउरे, ऊपर में अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, मगर वो गोल नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत अच्छी डीप डिफेंडिंग कर रहे हैं सतेज, डिफेंडर्स की जगह मेंटेन कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो वो ज्यादा प्लेयर्स आगे नहीं ला रहे हैं, वो चाहते हैं कि काउंटर्स लें। काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं सतेज, और एक चांस गोल के लिए बॉक्स के अंदर है, बहुत अच्छा स्किल, मगर ऑफसाइड। पहले हाफ में देखा था हमने ऑलमोस्ट 75% पोजीशन थी क्षितिज के पास, देखते हैं सेकंड हाफ में कुछ चेंज होता है कि नहीं। रवि क्षितिज अटैक कर रहे हैं, गोल का मौका, बहुत अच्छे स्किल्स, मगर डिफेंस क्रैक नहीं कर पा रहे। और फिर से अच्छी डिफेंडिंग सतेज से। पिछले मैच में हमने स्ट्राइकिंग का प्रदर्शन देखा, जहां 10-2 से जीते आदित्य, और इस मैच में डिफेंडिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सतेज फिर से अटैक में, ब्लैक जर्सी में खेल रहे हैं सतेज, और एक चांस और एक गोल, जबरदस्त 2 काउंटर अटैक्स और 2 गोल्स। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जितनी अच्छी डिफेंडिंग कर रहे हैं उतनी अच्छी फिनिशिंग भी कर रहे हैं सतेज। पहले हाफ में एक चांस मिला था उनको गोल पे, वो गोल हुआ था, और सेकंड हाफ में भी उन्हें एक चांस मिला गोल पे, उसे भी गोल कन्वर्ट कर दिया। तीन शॉट्स ले चुके थे सतेज
क्षितिज फर्स्ट हाफ में, मगर कन्वर्ट नहीं कर पाए, और इस सेकंड हाफ में भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए अभी भी एक भी चांस। बहुत अच्छी डिफेंडिंग कर रहे हैं सतेज, पूरे टूर्नामेंट में पहली बार है कि किसी की डिफेंडिंग इतनी अच्छी हो रही है। एक भी गोल अभी तक कंसीड नहीं किया है सतेज ने, देखते हैं क्या वो क्लीन शीट रख पाते हैं। जोश प्रेजेंट्स ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज पावर्ड बाय हिल एनर्जी ड्रिंक, ओवन स्टोरी एंड फासोस। अगर आपको 80 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट चाहिए फासोस में या ओवन स्टोरी ऐप में, तो आप AS80 कोड यूज कर सकते हैं और फासोस वेबसाइट पे या ओवन स्टोरी के वेबसाइट पे जाके उस कोड को यूज कर सकते हैं और December 31st तक यूज कर सकते हैं साल के अंत तक, और आपको फ्लैट 80 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी अटैक पे है सतेज, देखते हैं बॉक्स के अंदर है, चांस मिलेगा मगर, और एक जबरदस्त सेव सतेज, गोल कंसीड नहीं करना चाहते हैं, डिफेंस पे डिफेंस किए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया डिफेंस कर रहे हैं। क्षितिज इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सतेज, मगर अभी भी लास्ट मोमेंट डिफेंडिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर डीप डिफेंडिंग बहुत अच्छा, और एक काउंटर का चांस, शायद और एक गोल मिलेगा, नहीं, बहुत अच्छी गोलकीपिंग वहां। बहुत अच्छा चांस था, थोड़ा चांस ले सकते थे, चिप कर सकते थे, गोलकीपर बहुत आगे थे, चिप का मौका था, इजी गोल मिलता अगर चिप कर देते तो। बहुत अच्छा काउंटर अटैक ले रहे हैं सतेज, और एक काउंटर अटैक, देखते हैं अगर उन्हें गोल मिलता है। This on this occasion. Owen. Conte. Cuts it back. Well, it was straight at the keeper, but technically good goalkeeping. So, 5 minutes baki hai, 2-0 se aage hai Satej. Joe Gomez. Bahut achhi defending ki hai Satej ne abhi tak. थोड़ा भी चांस नहीं दिया है ओपोनेंट को। क्षितिज अटैक्स पे अटैक किए जा रहे हैं मगर उतना ही अच्छा डिफेंस कर रहे हैं सतेज, और एक काउंटर का चांस बनाया है, देखते हैं क्या करते हैं, और सिर्फ 2 मिनट बाकी है, यही आखिरी अटैक होगा सतेज का, मगर बाहर चला गया बॉल। Just one additional minute. Jorginho Wijnaldum. और आखिरी मिनट है, पहला मैच निकाल दिया है सतेज ने 2-0 आसानी से, मगर बहुत अच्छी डिफेंडिंग की है, उनके डिफेंडिंग की दाद देनी पड़ेगी। अभी तक जितने भी मैचेस देखे हैं उनमें से बहुत अच्छा डिफेंडिंग लगा उनका, और मैं जोसे मोरिनो की स्टाइल की बात कर रहा था, उनका कोच भी जोसे मोरिनो ही रखा है उन्होंने, बल्कि दोनों प्लेयर्स ने ही जोसे मोरिनो को ही कोच रखा है, मगर उनकी फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं सतेज यहाँ। बहुत चांसेस मिले थे क्षितिज को, मगर उतनी ही अच्छी डिफेंडिंग की है,
हम सिर्फ अटैकिंग और गोल्स की बात करते हैं, मगर इस मैच में मैं डिफेंडिंग्स के पूरे मार्क्स दूंगा। दूसरा लेग अभी शुरू होने वाला है, देख सकते हैं आप, तीन शॉट्स लिए थे और तीनों में से दो गोल्स किए हैं उसमें सतेज ने। 67% पोजीशन था क्षितिज के पास, मगर उस पोजीशन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। दूसरा लेग अभी शुरू होने वाला है, पहले लेग में 2-0 की बढ़त। सतेज का डिफेंस देख के बहुत मजा आया, क्योंकि सारे प्लेयर्स अटैकिंग या गोल स्कोरिंग पे ही ध्यान देते हैं, मगर सतेज का डिफेंस, लास्ट डीप डिफेंडिंग, लास्ट मैन डिफेंडिंग बहुत अच्छा रहा है, बहुत काम खेल रहे हैं और लग रहा है कि गोल स्कोर करने ही नहीं देंगे क्षितिज को। और पिछला मैच काफी वन साइडेड हुआ था, 10-2 से जीते थे आदित्य, मगर उतना वन साइडेड मैच नहीं हुआ ये। क्षितिज के पास बहुत सारे चांसेस थे प्राडो को लेके, एक बार वो घुस गए थे बॉक्स में, ओपन चांस था, मगर ठीक से स्कोर नहीं कर पाए। फिनिशिंग अच्छी नहीं हो रही है क्षितिज की, मगर उतना ही अच्छा डिफेंडिंग कर रहे हैं सतेज। जोसे मोरिनो को कोच खिला रहे हैं, शायद उनके फेवरेट कोच है और उनकी ही फिलोसफी पूरा फॉलो कर रहे हैं, पार्क द बस खेल रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं और काउंटर्स पे अटैक कर रहे हैं। अगर इतनी अच्छी डिफेंडिंग बरकरार रख सकते हैं सतेज तो फिर लगता है अगला मैच भी जीत सकते हैं। एक कहावत है कि अटैक विंस यू मैचेस एंड डिफेंस विंस यू टाइटल्स, सतेज उसी फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छी डिफेंडिंग इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस कर रहे हैं सतेज। और जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक फासोस एंड ओवन स्टोरी। अगर आप AS80 कोड यूज करते हैं ओवन स्टोरी ऐप पे या वेबसाइट पे या फिर फासोस वेबसाइट पे, तो आपको फ्लैट ₹80 डिस्काउंट मिलेगा जो आप 31 December तक यूज कर सकते हो। और अगर आप अपने फीफा के वीडियोज, छोटे छोटे वीडियोज अपलोड करना चाहते हो और फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हो, तो जोश ऐप जरूर डाउनलोड करें। शोस प्रेजेंस ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज चलेगा पूरे साल और अभी भी इसके बाद भी फीफा क्वालिफायर्स है। अगर आप खुद खेलते हो या फिर आपके दोस्त खेलते हैं तो उनको बताएं, बोलिए रजिस्टर करने के लिए, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जीत सकते हैं ₹50,000 और ईयर एंड में टोटल प्राइस पूल है ₹40,00,000। पहला लेग हो चुका है, क्षितिज अब इस 2-0 से पीछे हैं, वो भी ट्राई कर रहे थे, पोजीशन रख के खेल रहे थे, 67% पोजीशन थे पहले हाफ में उनके पास, 75% सेकंड हाफ में 67% थी, मगर वो गोल कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिनिशिंग उनसे नहीं हो रही है। देखते हैं अगर वो इस मैच में फिनिशिंग कर सकते हैं और मैच में वापस कर आ सकते हैं कि नहीं। और सतेज खेल रहे हैं रेड जर्सी के साथ और ब्लैक जर्सी के साथ खेल रहे हैं क्षितिज। सतेज ऑलरेडी 2-0 से आगे हैं। क्षितिज शुरू से अटैक कर रहे हैं, पैट्रिक वियरा है उनकी टीम में जो कि बहुत अच्छे आइकॉन प्लेयर है, टीम बहुत अच्छी है सतेज की। और एक चांस यहां, पहले ही शॉट ले लेना चाहिए था, बहुत टाइम ले रहे हैं,
मगर फिर भी गोल मिलेगा और मिल गया। क्षितिज ने एक गोल कर दिया है, स्कोर है 2-1 हो गया है। अभी फिनिशिंग नहीं हो पा रही थी क्षितिज से फर्स्ट मैच में, मगर सेकंड मैच में उन्होंने पहले ही एक गोल दाग दिया है और एक गोल चाहिए उनको वापस आने के लिए। देखते हैं क्षितिज का रिस्पॉन्स क्या रहता है। माइकल ओवन है ऊपर में स्ट्राइकर में, पैट्रिक वियरा स्टोइकोव, तीन आइकॉन्स खिला रहे हैं क्षितिज। पहले मैच में बहुत जबरदस्त डिफेंडिंग की थी मगर इस मैच में पहले ही गोल कंसीड कर दिया है। अच्छा स्टार्ट किया है क्षितिज ने, ओ बहुत अच्छा पास और बहुत अच्छा गोल। तो 0 की लीड अभी भी वैनिश हो गई है, 2-2 हो गया स्कोर। सतेज ने मैच स्टार्ट किया था 2-0 की लीड के साथ, मगर सिर्फ 16 मिनट में ही वो लीड खत्म कर दिया है क्षितिज ने। बहुत पॉजिटिव स्टार्ट किया है, पहले मैच में जितनी खराब फिनिशिंग कर रहे थे इस मैच में उतनी ही अच्छी फिनिशिंग कर रहे हैं। और क्या पास था सेकंड गोल के लिए। टीम सतेज की थोड़ी ज्यादा अच्छी है 3-3 आइकॉन्स के साथ, मगर क्षितिज इस मैच में अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्षितिज का और एक अटैक बॉक्स के अंदर है, बहुत अच्छी डिफेंडिंग वहां, काउंटर का चांस और काउंटर पे बहुत ही भयानक है क्षितिज। देखते हैं क्या वो गोल कर पाते हैं, बॉक्स के अंदर है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा। पहले ही गोल मिल जाता अगर वो पास कर देते तो, शॉट भी ले सकते थे, बहुत टाइम था उनके पास। मगर 2-0 की लीड से जब 2-2 हो जाता है मैच तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं प्लेयर्स। अभी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं क्षितिज इस मैच में। देखिए पोजीशन है 55-45 है क्षितिज का, पिछले मैच में भी हमने देखा कि 67% पोजीशन था उनके पास, पहले हाफ में तो 75% था, बहुत पोजीशन रखते हैं। इस मैच में पोजीशन दोनों की सेम है मगर स्थिति क्षितिज की ज्यादा अच्छी क्योंकि वो 2-0 से आगे। जिस तरह चल रहा है लग रहा है तीसरा मैच गोल्डन गोल तक जा सकता है ये मैच। अगर क्षितिज को तीसरा गोल मिल जाता है बहुत प्रेशर में आ जाएंगे क्षितिज। उनके डिफेंडिंग की बहुत तारीफ कर रहा था पहले मैच के बाद, पहले लेग के बाद, मगर सेकंड लेग में उनकी डिफेंडिंग उतनी खास नहीं रही है। और लॉब थ्रू बॉल्स बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं क्षितिज, यहाँ वो जानते हैं कि डीप डिफेंडिंग कर रहे हैं क्षितिज तो उसी के लिए लॉब थ्रू बॉल्स यूज कर रहे हैं। और ये एक चांस है क्षितिज के पास, बहुत अच्छा काउंटर का चांस, मगर बहुत अच्छा सेव भी किया वहां क्षितिज ने। मैच 2-2 है, पहले मैच में क्षितिज ने 2-0 से जीत हासिल की और सेकंड मैच में भी 2-0 से आगे क्षितिज। स्कोर लाइन सेम रहा तो ये गोल्डन गोल तक जाएगा, बहुत अच्छा चांस अभी क्षितिज के पास, बहुत अच्छा स्किल, बॉक्स के अंदर गोल। 3 गोल से लीड ले ली है इस मैच में और 2-0 से पीछे थे पहले मैच के बाद, अभी 3-2 से आगे है। सर तेज की डिफेंडिंग
फ्लॉप हो गई है इस मैच में। जितनी अच्छी डिफेंडिंग कर रहे थे पिछले मैच में, जोजे मोरिनो के फैन लग रहे थे, मगर जैसे जोजे मोरिनो मैनचेस्टर सिटी से अभी हारी है इस सैटरडे को 3-0 से, वैसे ही हार रही है अभी सरतेज की टीम। पहला हाफ खत्म, सतेज को गोल करना पड़ेगा अभी। सतेज अपना डिफेंस करके काउंटर अटैक करने का स्ट्रेटजी और यूज नहीं कर सकते, उनको अभी अटैक पे जाना ही पड़ेगा। 3-2 से आगे है यहाँ क्षितिज, 2-0 से पीछे थे और 3-2 से कमबैक किया, जबरदस्त कमबैक। इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया कमबैक होने वाला है। इससे पहले हमने देखा था कि सागर राव के साथ मैच में करण सिंह खेल रहे थे तो 1-0, 2-1 और 3-2 पीछे जाके वापस आए थे, मगर अभी लगता है ये बेस्ट कमबैक होने वाला है। 2-0 था पहले मैच में और अभी 3-0 से आगे हैं। क्षितिज, 2 अच्छे गोल्स के चांसेस मिले थे सतेज को मगर उन्होंने मिस कर दिया है। और स्टोइकोव जो उनके बेस्ट प्लेयर थे पिछले मैच में, उनको ही वो सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, नहीं फिर से वापस लेके आए। सोच रहे थे कि राशफोर्ड को उतारे मगर फिर लास्ट मोमेंट डिसीजन चेंज कर दिया। टीम अच्छी है सतेज की, 3-3 अच्छे आइकॉन से, पैट्रिक वेरा है, माइकल लोगन है, देखते हैं कम वो एक गोल देके मैच में वापस आ सकते हैं कि नहीं, कमबैक कर सकते हैं कि नहीं। क्षितिज बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस मैच में। बॉक्स के अंदर और एक चांस था क्षितिज के पास गोल करने का। अभी सतेज काउंटर कर रहे हैं, सतेज को अटैकिंग खेलना ही पड़ेगा। बहुत घटिया पासिंग थी वहां, चांस था, थोड़ा वेट कर जाते तो बहुत अच्छा चांस था। यहाँ फिर से अटैक में आ रहे हैं क्षितिज, पहले हाफ में 3 गोल्स किए हैं, सेकंड हाफ में अगर और एक गोल करते हैं तो ये मैच उधर ही। यहाँ पॉज ले रहे हैं सतेज, शायद चेंज करना चाहते हैं, अटैकिंग जाना चाहते हैं। तीस मिनट बाकी है, देखते हैं क्या इन 30 मिनट्स में कमबैक कर पाते हैं कि नहीं। 2-0 से आगे गए थे, फिर वापस आ गए हैं क्षितिज, 2-0 से आगे थे सतेज, फिर क्षितिज ने कमबैक किया है 3-2 से। सतेज को एक गोल करना ही पड़ेगा, अभी वो डिफेंस अटैकिंग पे जा रहे हैं। देखते हैं अभी ऑल आउट अटैक पे जा रहे हैं क्षितिज सतेज।
आखिरी 30 मिनट में एक गोल की जरूरत है सरतेज को, और वो एक भी गोल अगर कंसीड कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको मैच में वापस आना। रेड जर्सी के साथ सतेज अटैक कर रहे हैं, 3-1-4-2 फॉर्मेशन कर दिया है, सिर्फ 3 डिफेंडर पीछे है तो गोल कंसीड करने के चांसेस भी बहुत हाई है सतेज के। क्षितिज अभी आराम से टाइम ले रहे हैं बॉक्स के अंदर, अच्छा बहुत अच्छा कोशिश था, बहुत अच्छी कोशिश थी वहां। सतेज फिर से अटैक कर रहे हैं, एक गोल चाहिए सतेज को कमबैक करने के लिए, और एक चांस मिलेगा यहाँ, इजी चांस, और यहाँ गिर गए रैशफोर्ड, गिर गए, बहुत अच्छा चांस था सतेज के पास 3-3 करने के लिए, 3-all करने के लिए, मगर वहां उनके रैशफोर्ड गिर गए। थोड़ा सा पुश था तो डिफेंडर से, और यहाँ अच्छी डिफेंडिंग, 3-1-4-2 खेल रहे हैं और 3 डिफेंडर्स है सिर्फ पीछे सतेज के लिए। और 20 मिनट सिर्फ बाकी है, एक गोल चाहिए सतेज को, फिर से अटैक बना रहे हैं, 3-1-4-2 फॉर्मेशन में खेल रहे हैं, विंग्स में बॉल दे सकते थे, चार स्ट्राइकर्स ऊपर थे फिर भी उन्होंने बॉल खुद ले जाने की गलती कर दी और पोजीशन गवा बैठे। अच्छी डिफेंडिंग, सतेज का और एक अटैक, क्या वो कमबैक कर सकते हैं, पहले मैच में देखा था जबरदस्त फिनिशिंग, और एक चांस था, रैशफोर्ड ने फिर मिस कर दिया, और पेनल्टी, 3-3 के लिए गोल्डन चांस मिला है अभी सतेज को, ये मैच का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट, और उसको स्ट्रेट पेनल्टी बहुत काम रखा, और एक फ्लाइटेड पेनल्टी किक बीच से डाउन द मिडिल, 3-3 हो गया है अभी स्कोर लाइन। बता दूं आपको, पहले मैच में सतेज ने 2 गोल से जीता था मैच, और अभी दूसरे मैच में स्थिति जीत रहे हैं 3-1। क्षितिज अभी अटैक में, सतेज अगर मैच ड्रॉ हुआ तो गोल्डन गोल में जाएगा, जो देखने में और मजा आने वाला है, अगर ये दोनों का मैच बहुत मजेदार हुआ है। पहले मैच में सतेज ने डिफेंस दिखाया, दूसरे मैच में क्षितिज ने अटैक दिखाया, और फ्री किक वहां मिलेगा सतेज को, मगर उन्होंने फ्री किक लिया नहीं, शॉट लिया और गोल, वो 3-3 हो गया था, 3-2 डाउन थे सरतेज 10 मिनट पहले, अभी 4-3 लीड ले लिया है सरतेज ने, पहले मैच में 2-0 से लीड लिया था, फिर उस लीड को क्षितिज ने 3-2 से क्षितिज ने लीड लिया, मगर फिर सरतेज कमबैक कर लिए हैं और 4-2 से आगे, इस मैच का रंग हर मिनट पलट रहा है, क्या क्षितिज फिर कमबैक कर पाएंगे। फर्स्ट हाफ में उन्होंने 3 गोल दागे थे, मगर सेकंड हाफ में एक भी गोल नहीं कर पाए हैं, और सिर्फ 1 मिनट बाकी है, लास्ट चांस मिलेगा, बहुत टाइट मैच है और चांस है, मगर बहुत अच्छी डिफेंडिंग सतेज की, सतेज ने सेकंड हाफ में जलवा ही दिखा दिया, पहले हाफ में 3 गोल कंसीड किए, मगर सेकंड हाफ में एक भी गोल कंसीड नहीं किया, उल्टा 2 गोल और दे दिए,
बहुत अच्छी गेम प्ले सतेज के द्वारा, जिस तरह से वो वापस आए मैच में 10 मिनट में उन्होंने मैच पलट दिया। लग रहा था सतीज मैच नहीं के निकल जाएंगे, 3-2 की लीड ले ली थी सतीज ने, मगर फिर 4-3 वापस आए सतेज। माइकल ओवन, पैट्रिक बेरा, स्टोइकोव जैसे प्लेयर्स को लेके बहुत अच्छा खेले हैं सतेज। शायद सतीज रिप्लेस देखेंगे और सोचेंगे कि कैसे उन्होंने ये मैच इतना अच्छा खेल के पहले हाफ में जहां एक चांस भी नहीं दिया था सतेज को होल्स पे शॉट लेने के लिए, कैसे सतेज मैच लेके निकल गए। बहुत जबरदस्त मैच था ये, आखिर तक लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है। फाइनल स्कोर है सतेज 4 और सतीज 3। मैच जबरदस्त हुआ, पहले मैच में फर्स्ट मैच में हमने देखा कि बहुत अच्छी डिफेंडिंग की सतेज ने, 70% ऑलमोस्ट 67% पोजीशन था सतीज के पास, मगर सतीज एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाए और दो बार काउंटर मिला था सतीज को, दोनों काउंटर्स पर उन्होंने गोल कर दिए थे। और ये सेकेंड मैच में भी वही देख रहे हैं कि 70% पोजीशन है सतीज के पास, मगर वो मैच फिर भी हार गए। सो फाइनल स्कोर है सतीज अवस्थी 3 और सतेज बिंद्रा 4। बहुत अच्छा खेला सतेज ने, पहले हाफ में उन्होंने अपने डिफेंडिंग स्किल्स दिखाए और सेकेंड मैच में जब उनको गोल्स की जरूरत थी तो वो डिफेंस से अटैक में गए, और मुझे पता नहीं था कि, मुझे लग रहा था कि कैसा वो उनका अटैकिंग होगा क्योंकि वो 3-2 से पीछे चले गए हैं, मगर बहुत अच्छा वापस आए सतेज, लास्ट 10 मिनट में मैच का चेहरा ही पलट दिया और 3-1-4 फॉर्मेशन में अटैकिंग गए और गोल मिलने के बाद भी वो रुके नहीं, एक बार भी। और जैसा सतेज ने खेला है पहले मैच में उन्होंने दिखाया कि डिफेंस कैसे की जाती है, बहुत अच्छा डिफेंडिंग किया, बहुत अच्छा फोकस करके खेला, मगर सेकंड हाफ के सेकंड मैच में सेकंड लेग के शुरुआत में ही सतीज ने दिखाया कि अटैकिंग कैसे की जाती है और 3 गोल्स दाग दिए थे। 3-2 से आराम से जीत रहे थे सतीज, मगर फिर लास्ट के 10-15 मिनट में सतेज वापस आए और जैसे पहले मैच में उन्होंने स्कोरिंग की थी वैसे ही 2 गोल्स फिर से दाग दिए और मैच को 4-3 से जीत लिया है। जबरदस्त मैच था, देखने में बहुत मजा आया और अभी भी 2 मैचेस बाकी है आज के, और देखते हैं कि उन मैचेस में ऐसे ही भिड़ंत होती है या फिर क्लोज मैचेस होता है या फिर वन साइडेड मैचेस होते हैं। सो जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक फासोस एंड ओवन स्टोरी विल कम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। esports.in ला रहा है इंडियाज योर लॉन्ग ईस्पोर्ट्स चैंपियनशिप ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज 2021। ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ईस्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख एंड हमारी कंसोल गेम है FIFA 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में FIFA के 2 ऑनलाइन क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट, और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द FIFA अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। जोश, ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trends.
energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. आज खाने में वही। बिल्कुल सही। खाने में वही। बिल्कुल नहीं। आज बोरिंग नहीं। फासो सिग्नेचर रैप्स है बिल्कुल सही। अनएक्सपेक्टेड माउथ वॉटरिंग कॉम्बिनेशंस, फ्लेवर्स में ऐसा जोर कि बाकी सब लगे बोर। फासो सिग्नेचर रैप्स। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस। मैं बोल रहा था रविंदर से बोलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन खेलो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण, एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द खेलो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched. Because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस। मैं बोल रहा था रविंदर से बोलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन खेलो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण, एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द खेलो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Esports.in Lara hai India's year long esports championship esports premier series 2021 ye open tournament hai jisme koi bhi participate karke apna esports career shuru kar sakta hai esports premier series ka total prize pool hoga 40 lakh and hamari console game hai FIFA 21 jisme bahut se participate karenge and aapke liye zabardast goal score karenge पूरे साल में फीफा के दो लैंड क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ रुपीज 50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप टू स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द फीफा अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय एल एनर्जी ड्रिंक, फासोज एंड ओवन स्टोरी। आज के 3 मैचेस हो चुके हैं और अभी भी 2 बड़े बड़े मैचेस बाकी है, इंक्लूडिंग फादिल अफरीदी का मैच जो कि बैंगलोर फीफा क्लब के प्लेयर है और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में, नेशनल फाइनल्स में उनको मैंने देखा है और
उनका मैच आने ही वाला है। और एक बार उससे पहले देख लेते हैं ब्रैकेट्स के, आज के ब्रैकेट्स देख लेते हैं एक बार। और चरणजोत सिंह, जोसेफ, रंजन, सिद्ध चंदना, इमाद, शारंस, अमन वारसी, आदित्य चड्ढा, सरतेज सिंह बिंद्रा, जो कि बहुत अच्छा खेले और लास्ट मोमेंट में दो गोल देके कमबैक करके जीता है। तो ये लोग ऑलरेडी थर्ड राउंड में जा चुके हैं। अभी आज मैच बाकी है, इसके बाद फाजिल्का और शुभम यादव का, तो बहुत बड़े बड़े मैचेस बाकी हैं आज भी, अभी भी दो मैचेस बाकी हैं। और चलिए ले चलते हैं मैच स्क्रीन पे आपको। अभी मैच है आदित्य दुबे, जो कि कनेक्टिंग टीम के, ईस्पोर्ट्स टीम के, कनेक्टिंग ईस्पोर्ट्स टीम के प्लेयर है, और सचिन यादव के साथ मैच है उनका। आपको बता दूं चरणजोत सिंह को भी कनेक्टिंग स्पॉन्सर करती है, और उस इसी ईस्पोर्ट्स टीम के लिए चरणजोत सिंह भी खेलते हैं। चरणजोत सिंह जो कि टॉप फोर पहुंचे हैं फीफा ई वर्ल्ड कप के प्ले ऑफ टूर्नामेंट्स में, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी, इंडिया के करंट बेस्ट प्लेयर हैं, उन्हीं की टीम से हैं आदित्य दुबे, देखते हैं कैसा खेलते हैं वो। और सचिन यादव है उनके ओपोनेंट। Shows presents eSports Premier Series, co-powered by Hell Energy Drink, Urban Story and Fasos. अगर आप AS80 कोड यूज करते हैं Fasos वेबसाइट पे, या फिर Urban Story वेबसाइट पे, या फिर Urban Story के ऐप पे, या फिर Eat Sure ऐप पे, तो फिर आपको मिल सकते हैं 80 रुपीस का फ्लैट डिस्काउंट। और ये AS80 कोड आप यूज कर सकते हैं पूरे साल अप टू ईयर एंड 2021 के एंड तक, दिसंबर 31st तक। और हम मैच में पहुंच गए हैं। सचिन खेल रहे हैं आरडीजी टीम के साथ, और एलएसडी टीम के साथ खेल रहे हैं आदित्य। ब्रूनो फर्नांडेस दिखे मिडफील्ड में, और मेसी, पहली बार मेसी दिखे हैं किसी टीम में। अभी तक टूर्नामेंट में हमने देखा है सिर्फ रोनाल्डो का ही दबदबा है, रोनाल्डो, नेमार, एमबापे, ये तीन प्लेयर्स ही ज्यादा दिखे हैं, और पहली बार मेसी दिख रहे हैं। ये पास अभी गोल का चांस, मेसी के पास ही बॉल है, अगर मिस, आज रात बार्सिलोना और पीएसजी का भी मैच है, मेसी रियल लाइफ में भी खेलने वाले हैं, अभी वर्चुअल फील्ड में देखते हैं क्या करते हैं मेसी के साथ। मैं एक बार खुद बार्सिलोना गया था, दो बार मैं बार्सिलोना जा चुका हूँ, और एक बार बस में ट्रैवल कर रहा था तब बार्सिलोना का मैच चल रहा था, और वहाँ के लोग बस रोक के उसका मैच का कमेंट्री सुन रहे थे मेसी को लेके। पूरी सिटी, पूरी बार्सिलोना की सिटी पागल है उनके पीछे, रेस्टोरेंट हो या फिर कोई भी जगह, जब बार्सिलोना का मैच चलता है और मेसी के पैर में बॉल होता है तो वो मेसी मेसी चिल्ला उठते हैं। देखते हैं वर्चुअली मेसी को लेके क्या करते हैं। और एक चांस और ये गोल, माने ने स्कोर किया है पहला गोल। बहुत अच्छा लग रहा है कि वो माने, मेसी और ब्रूनो फर्नांडेस इनको खिला रहे हैं, और रोनाल्डो, एम्बापे नहीं है टीम में। और पहला गोल लीड ले लिया आदित्य दुबे ने, चरणजोत के टीम पार्टनर ने। सचिन एक गोल से पीछे, आदित्य ने एक गोल का लीड लिया है। मेसी और माने को लेके बहुत अच्छा फॉर्मेशंस कर रहे हैं।
शुरू से ही अटैक कर रहे हैं आदित्य, चांस नहीं दिया है थोड़ा भी सचिन को। पहले 20 मिनट पूरा दबदबा बनाए रखा है आदित्य दुबे ने। और जब मेसी की बात हो रही थी, मैं बता दूं सर्जियो अगुएरो जो मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर हैं, वो खुद फीफा खेलते हैं, और स्ट्रीम करते वक्त एक दिन मेसी को कॉल किया। और एक अटैक बना रहे हैं आदित्य। अभी मेसी बॉक्स के अंदर, एक गोल की लीड है आदित्य को। आदित्य खेल रहे हैं ब्लैक जर्सी के साथ। ये अटैक पे है सचिन, काका है उनकी टीम में सचिन की, ब्राजील के काका आइकॉन प्लेयर है। एम्बापे भी हैं, एशियन भी है, तो आइकॉन्स ऑलरेडी टीम में हैं सचिन यादव के, मगर अभी तक एक भी अटैक करने में नाकामयाब। अभी तक एक भी गोल पे शॉट नहीं लिया है आदित्य, बहुत सारे शॉट ले चुके हैं। लीड और ज्यादा होती अगर थोड़ी फिनिशिंग बेटर होती तो, मगर उनका गेम प्ले बहुत जबरदस्त है, स्किल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और पासिंग भी बहुत बढ़िया। शायद एक क्रॉस आएगा, फर्मिनियो से जोन्स, ब्रूनो फर्नांडिस के पास बॉल, अभी मेसी को दिया है, अभी रिबेरी को लेके अंदर घुसे हैं। शायद मेसी को 1-2 करके वापस दे सकते थे फिर, तो फिर और एक मौका मिलता गोल का। काउंटर अटैक लेने की कोशिश कर रहे थे सचिन, बीच में ही रोक दिया। अभी एक चांस मिला है, रिबेरी है अकेले और एक गोल, 2-0 से आगे बढ़ गए हैं आदित्य दुबे। और बहुत ही हटके टीम है दूसरों से, और खेल भी रहे हैं हटके, एक चांस भी नहीं दिया है ओपोनेंट को अटैक करने का गोल पे। टीम देख के लग रहा था कि सचिन ही थोड़ा आगे रहेंगे, क्योंकि एम्बापे हैं और दो दो अच्छे अच्छे आइकॉन्स भी हैं एशियन काका जैसे, मगर बहुत अच्छा खेल रहे हैं यहाँ आदित्य दुबे। रिसोर्सेज लिमिटेड है मगर गेम प्ले उनका जबरदस्त है। और नेमार को लेके अभी आगे सचिन यादव का पहला शॉट, ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ के एंड पे पहला गोल पे शॉट लिया सचिन ने, मगर स्कोर लाइन है 2-0 और 5 शॉट ले चुके हैं अभी तक, 5 शॉट ले चुके हैं आदित्य दुबे और 2 गोल्स भी मिले उन्हें। फर्स्ट हाफ में 2-0 की बढ़त आदित्य दुबे को, ब्लैक जर्सी के साथ खेल रहे हैं, 2 आइकॉन्स के होते हुए भी सचिन ज्यादा जगह नहीं बना पा रहे हैं। 5-5 शॉट आए हैं आदित्य की तरफ से, सिर्फ एक शॉट वो भी फर्स्ट हाफ के एंड में लिया था सचिन ने। 2 गोल से आगे हैं आदित्य और मैच के कंट्रोल में भी लग रहे हैं। और एक गोल का चांस, और यहां एक गोल मिलेगा, मेसी ने तीसरा गोल कर दिया है, 3-0 की लीड। हम मेसी को लेके इतना बात कर रहे थे और मेसी ने ही स्कोर कर दिया है तीसरा गोल, बहुत अच्छा वो खेल रहे हैं माने और मेसी को लेके।
बहुत अच्छी पासिंग यहाँ, आदित्य दुबे बहुत कंट्रोल से खेल रहे हैं, पासिंग भी उनकी बहुत अच्छी हुई है और एक अच्छा थ्रू बॉल, शायद और एक गोल मिल सकता है। माने घुस गए हैं बॉक्स के अंदर। ओ बहुत अच्छी सेव यहाँ, पूरे मैच में ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला है आदित्य ने और शुरू से ही गोल्स कर रहे हैं। अभी मेसी को लेके और एक शॉट, गोल हो सकता था। बहुत अच्छा ट्राई, बहुत अच्छा ट्राई किया था वहां। अभी अटैक पे आ रहे हैं आदित्य। Shows presents eSports Premier Series co-powered by Hell Energy Drink, Govind Stories and Fasos. अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं तो प्लीज eSports in में जाकर .in में जाकर रजिस्टर कीजिए, और इसके बाद भी फीफा क्वालिफायर्स हैं और अगर आप जीते तो आप जीत सकते हैं 50,000 रुपए और टोटल प्राइस पूल है टूर्नामेंट का 40 लाख। फ्री फायर के क्वालिफायर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, फीफा के अभी भी बाकी हैं, तो रजिस्टर कीजिए आज ही और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। और अगर आप AS80 कोड यूज करते हैं तो फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फासोस वेबसाइट पे, ओवन स्टोरी वेबसाइट पे और ओवन स्टोरी के ऐप पे 80 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट, जो कि चलेगा 31 दिसंबर 2021 तक। और बहुत अच्छे डिफेंडिंग यहाँ, आदित्य दुबे बहुत अच्छा कंट्रोल लेके खेल रहे हैं, बहुत सुंदर खेल रहे हैं। और जबकि उनके टीम में ना तो रोनाल्डो है, एम्बापे है, ना तो एम्बापे है, ना तो नेमार है, फिर भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आपकी पासिंग और फिनिशिंग इतनी अच्छी हो तो प्लेयर्स उतना मैटर नहीं करते। और एक थ्रू बॉल का चांस है यहां, माने आगे बढ़ गए हैं मगर उन्होंने बॉल आगे नहीं बढ़ाई। बहुत अच्छा क्रॉस यहां, देखते हैं ब्रूनो फर्नांडिस के पास बॉल क्या करते हैं। बॉक्स में छकाया, बहुत अच्छा पास दिया माने को। पूरे मैच में ही दबदबा है आदित्य का, पूरा कंट्रोल करके खेल रहे हैं। मेसी को पास, फिर मेसी के पास बॉल, मेसी ड्रिबल कर रहे हैं, और एक गोल, जबरदस्त गोल यहां। 4-0 से आगे लगता है, हेल एनर्जी ड्रिंक पी के आए हैं आदित्य दुबे, इसीलिए 4 गोल्स दाग दिए हैं। और उधर थोड़ी भी एनर्जी नहीं नजर आ रही है सचिन यादव के गेम में, लगता है उनको हेल एनर्जी ड्रिंक पी के आना पड़ेगा सेकंड लेग में। 4-0 से आगे है आदित्य दुबे। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मेसी और माने को बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं और रिवेरी को भी। और एक चांस है गोल के लिए, देखते हैं क्या होता है। ऑफसाइड हो गया वहां, शुरू से ही अटैक पे अटैक बोला जब किए जा रहे हैं आदित्य दुबे। और एक गोल्डन चांस है मगर बहुत अच्छी डिफेंडिंग। बॉक्स के अंदर मेसी, मेसी को लेके ड्रिबलिंग, क्या वो और एक शॉट ले सकते हैं। नहीं, अच्छी डिफेंडिंग की यहां। सिर्फ 4 मिनट गेम के बाकी है, देखते हैं क्या अंत और लीड बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा लीड ले लिए 4-0 की। सचिन कुछ भी नहीं कर पाए इस मैच में, 2 शॉट्स उन्होंने गोल पे लिए हैं मगर उतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं। और एक चांस मिलेगा
बहुत ही जबरदस्त गोल करने की कोशिश मगर मिस। ये गोल आराम से हो जाना चाहिए था, वो गोलकीपर को छका दिए थे, प्लेयर्स को, डिफेंडर्स को ड्रिबल कर दिए थे, पता नहीं क्या कोशिश कर रहे थे वहां। पहले चांस में ही अगर मार देते तो 5-0 की बढ़त मिल जाती। और पहला मैच 4-0 से जीते हैं आदित्य, जबरदस्त फिनिश। अभी दूसरा लेग शुरू होने वाला है अभी कुछ ही देर में। जोश प्रेजेंट्स स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक, ओवन स्टोरी एंड फासोस। बहुत बहुत ही रोमांचक खेला है इस मैच में, एकदम बढ़िया फुटबॉल आदित्य दुबे से। ये पहला गोल था माने के साथ, फिर दूसरा गोल किया रिबेरी के साथ। बहुत वेट करके हमारा पांचवा गोल भी उनको मिल जाता अगर आखिरी वाला वो गोल कर लेते तो। ये तीसरा गोल मेसी के साथ और फिर चौथा गोल रिबेरी के साथ। बहुत अच्छी पासिंग थी वो और ड्रिबलिंग भी जबरदस्त, बहुत अच्छा खेले इस मैच में। 6 शॉट लिए थे टारगेट पे, पोजीशन भी 58% ज्यादा और उसमें से 4 को कन्वर्ट किया। पांचवा गोल मिल जाता अगर वो लास्ट में थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही लूज ले लिया था क्योंकि गोलकीपर को ड्रिबल कर देने के बाद ऑलमोस्ट कोई नहीं था मगर फिर भी टाइम ले रहे थे, शायद चल के घुसने की कोशिश कर रहे थे गोल लाइन के पार। जबरदस्त खेले आदित्य दुबे सचिन यादव के साथ, सचिन के पास ज्यादा चांसेस भी नहीं मिले पूरे मैच में, सिर्फ एक ही शॉट गोल पे। और जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज कोपर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक ओपन स्टोरी और फासोस में हम देख रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे आ रहे हैं जो 7-8 गोल कर दे रहे हैं, जैसे जोसेफ थे कल और आज हमने देखा कि कुछ देर पहले आदित्य चड्ढा थे जिन्होंने 10 गोल मारे। तो अभी देखना पड़ेगा क्या आदित्य दुबे भी, आदित्य चड्ढा ने 10-2 से मैच जीता है, हम लोग देखेंगे अगर आदित्य दुबे जीत सकते हैं 10-10 गोल कर सकते हैं कि नहीं। 8 गोल से मैच जीते थे आदित्य चड्ढा, हम देखेंगे अगर आदित्य दुबे भी 8 गोल कर सकते हैं कि नहीं। 4 वो ऑलरेडी कर चुके हैं और जैसा खेल रहे हैं लग रहा है सेकंड मैच में भी वो और 4 गोल्स कर सकते हैं। जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक फासोस एंड ओवन स्टोरी। अगर आपको 80 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट चाहिए तो फासोस वेबसाइट पे जाइए या फिर ओवन स्टोरी वेबसाइट पे या ओवन स्टोरी के ऐप पे और कोड यूज कीजिए AS80 और आपको मिल जाएगा फ्लैट 80 रुपीज डिस्काउंट और ये कोड वैलिड है December 31st तक। आप जितनी भी 4 बार चाहे वो इस कोड को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको छोटे छोटे वीडियोस बनाने हैं या फिर वीडियोस देखने हैं फुटबॉल के छोटे छोटे वीडियोस तो आप जोश ऐप पे देख सकते हैं। और अगर अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है तो अपने वीडियोस, अपने गोल के वीडियोस बनाइए और छोटे छोटे वीडियोस लेके डालते रहिए जोश ऐप पे और अपनी फॉलोइंग बढ़ाइए। आज का ये चौथा मैच, इसके बाद फादिल अफरीदी का मैच होने वाला है जो बैंगलोर फीफा क्लब के बेस्ट प्लेयर हैं, उनके साथ अभी शुभम यादव का मैच है इसके बाद, तो देखेंगे शुभम के साथ वो कैसा खेलते हैं। मगर अभी मैच चल रहा है आदित्य दुबे और सचिन यादव का, कनेक्ट इन स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं आदित्य दुबे, जहाँ पे चरणजोत सिंह भी खेलते हैं और चरणजोत सिंह इंडिया के अभी बेस्ट प्लेयर हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में और दोनों बार वो जीते हैं। 2 out of 2 है उनका स्कोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, नेशनल नहीं। वो 2 बार खेलने गए हैं, एक बार वो मलेशिया गए थे सक्षम के साथ खेलने जहां वो 2-2 में चैंपियन बने मलेशिया में, और लास्ट ईयर एशियन फुटबॉल गेमिंग चैंपियनशिप जहां पे 16 कंट्रीज खेलते हैं वहां पे भी चैंपियन हुए चरणजोत सिंह। वो दूसरे ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जो AFGC जीते हैं, तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं और उसी टीम के प्लेयर हैं आदित्य दुबे और वो अभी जीत रहे हैं 4-0 से। दूसरा लेग अभी शुरू होने वाला है सचिन यादव और आदित्य दुबे के बीच। आदित्य दुबे के पास 4-0 की लीड है, बहुत अच्छा खेले सब, रोनाल्डो नेमार और एम्बापे को खिला रहे हैं स्ट्राइकिंग लाइन में मगर आदित्य दुबे ने कुछ हटके किया है, माने रिबेरी और मेसी को खिला रहे हैं और तीनों को लेके अलग ही जलवा दिखाया वो, जबकि सचिन यादव के पास एम्बापे भी है और
दो आइकॉन्स भी है अच्छे, मगर आदित्य दुबे के सामने वो कुछ कर नहीं पाए। काका भी है, एशियन भी है सचिन यादव के पास, मगर उनके आइकॉन्स लेके भी वो इनके गोल्स रोक नहीं पाए आदित्य दुबे के। आदित्य दुबे का गेम प्ले बहुत ही जबरदस्त रहा है इस मैच में, और अभी तक जो प्लेयर्स नेक्स्ट राउंड क्वालिफाई कर चुके हैं राउंड थ्री में, वो है चरणजोत सिंह, सारांश जैन, सिद्ध चंदना, राजेंद्र, आदित्य चड्ढा। आदित्य चड्ढा का गेम प्ले जबरदस्त था, 10 गोल मारे उन्होंने, और कल हमने देखा था कि 7-1 हाई स्कोर हुआ था, आज 10 तक चला गया है। देखते हैं क्या आदित्य दुबे उनको क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। जिस अंदाज से खेल रहे हैं, शुरू से ही अटैकिंग खेल रहे हैं, और ओपोनेंट को सिर्फ एक शॉट गोल पे लेने दिया है सचिन को। जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक, ओवन स्टोरी एंड फासोस। दूसरा मैच अभी शुरू होने वाला है। दूसरा लेग अभी शुरू हो चुका है। और यहां गोल का चांस बना सकते हैं, आदित्य दुबे अभी डिफेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी डिफेंडिंग आदित्य की। एक काउंटर मिला है, देखते हैं क्या करते हैं काउंटर पे। बहुत अच्छी ड्रिबलिंग वहां, बहुत अच्छी ड्रिबलिंग वहां आदित्य की। मेसी को लेके फिर ड्रिबल कर रहे हैं, और देखता है पिछले, देखना है कि पिछली मैच की तरह वो फर्स्ट हाफ में इस बार भी गोल निकाल सकते हैं कि नहीं। बहुत अच्छी डिफेंडिंग, बहुत अच्छा रन बैक कर रहे हैं डिफेंडर्स को लेके, और यहां एक चांस, और सिंपल गोल था, मगर बहुत अच्छी डिफेंडिंग वहां। स्किल्स भी जबरदस्त कर रहे हैं आदित्य। अभी गोल का चांस मिलेगा, यहां पे लेना चाहिए। बहुत ज्यादा यहां पे ट्रिपल कर दिया था, उसी लिए गोल मिस हो गया। इजी चांसेस, दो गोल्स के चांसेस मिले यहाँ आदित्य को, मगर मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही ट्रिपल कर दिया था। और बहुत अच्छी डिफेंडिंग यहाँ, एक चांस सचिन के लिए भी, मगर डिफेंडिंग उतनी ही अच्छी। चार गोल से आगे हैं आदित्य इस मैच में। ये दूसरा लेग चल रहा है, दूसरा लेग अभी 0-0 चल रहा है। सचिन को कम बैक करने के लिए चार गोल्स करने हैं, मगर आदित्य लगता है और गोल्स कर देंगे जैसे खेल रहे हैं। स्टार्टिंग बहुत ही जबरदस्त की थी, बहुत अच्छा स्किल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, मगर ज्यादा गोल्स पे अटैक नहीं कर पा रहे, गोल्स पे शॉट भी ज्यादा नहीं लिए। पिछले मैच में सिर्फ एक शॉट लिया था, अभी देखते हैं कि दूसरे मैच में क्या होता है। 21 मिनट हो चुके हैं इस मैच के, आदित्य दुबे फिर से अटैक पे जा रहे हैं मेसी को लेके। और पास दिया रिबेरी को, मेसी और माने को लेके बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो, बहुत अच्छा गेम्स है। और माने के पास बॉल, क्या है गोल कर पाएंगे, और ये
पेनल्टी मिलनी चाहिए थी मगर नहीं मिली। मुझे लगा वहां पे पेनल्टी मिल जाएगी क्योंकि माने को गिरा दिया था, और माने से मैं बोलना चाहूंगा कि माने की एक स्टोरी आपको छोटी सी बता दूं। सादियो माने बहुत ही अच्छे इंसान है, वो ना महंगा फोन यूज करते हैं ना महंगी गाड़ी, बहुत ही हम्बल रहते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल स्कूल्स उन्होंने बना दिए हैं अपने कंट्री में, होम कंट्री में, दूसरे फुटबॉलर जैसे नहीं है। और बहुत अच्छा पास माने को ही अभी बॉल मिलेगा, क्या माने स्कोर करेंगे, क्या कर रहे हैं, और मेसी से उन्होंने गोल करवाया। मुझे लगा कि वो जानबूझ के छोड़ दे रहे ओपोनेंट को, ऑलमोस्ट ही इज टॉइंग विद द ओपोनेंट। इतने अच्छे स्किल्स कर रहे हैं कि ओपोनेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। जबरदस्त गोल, माने के साथ ही आराम से गोल कर सकते थे मगर वेट किया मेसी के आने का और मेसी से गोल करा है। शायद वो भी मेसी के फैन है। एक कॉन्सोलेशन गोल की तलाश में सचिन, बहुत बाहर हो गए हैं, 5-0 से बाहर हैं। अच्छा स्किल किया, देखते हैं क्या वो गोल कर पाते हैं कि नहीं। आदित्य दुबे बेमिसाल खेल रहे हैं, जबरदस्त स्किल्स कर रहे हैं और आप मिस नहीं कर सकते इतनी अच्छी स्किल्स। गोलकीपर डिफेंडर सबको ड्रिबल कर दे रहे हैं, बहुत अच्छे स्किल्स करते हैं, बहुत अच्छे। और ऑफसाइड, माने, माने ने मेसी को दिया, देखते हैं और एक गोल मिलेगा, क्या ड्रिबलिंग। आदित्य दुबे को आराम से और 2-3 गोल मिल जाते मगर वो बस मजा उठा रहे हैं। आराम से वो आदित्य चड्डा का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते थे मगर वो ड्रिबलिंग करके गेम का मजा उठा रहे हैं। 5-0 से आगे हैं, वन साइडेड मैच हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उनके ओपोनेंट। आदित्य दुबे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, माने को नीचे ले जा रहे हैं, माने को चेंज कर रहे हैं और टैवर्नियर को ला रहे हैं। बहुत अच्छा खेल रहे थे माने, फिर भी उनको चेंज कर दिया है और वो 5-0 से आगे हैं और कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि मैच आराम से जीत जाएंगे। जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक फासोस एंड ओवन स्टोरी। अगर आपको 80 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट चाहिए तो फिर AS80 कोड इस्तेमाल कीजिए फासोस वेबसाइट पे, ओवन स्टोरी वेबसाइट पे और ओवन स्टोरी ऐप पे, और आपको फ्लैट 80 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोड वैलिड है December 31st एंड तक। अभी पास अटैक कर रहे हैं सचिन मगर 5 गोल से वो पीछे हैं। बहुत इजी ऐसे खेल रहे हैं जैसे बहुत इजी है। आदित्य दुबे इज रियली मेकिंग इट लुक इजी द वे ही इज प्लेइंग, बहुत अच्छी ड्रिबलिंग, बहुत अच्छा गेम प्ले।
we are facing some technical issues and we'll be coming back within a while. Just stay with us. We'll come back within a short break. Esports.in, Lara hai India's year-long esports championship, esports premier series 2021. ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ईस्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख एंड हमारी कंसोल गेम है फीफा 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में फीफा के 2 लैंड क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ्स में जाने के लिए। प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द फीफा अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. आज खाने में वही। बिल्कुल सही। खाने में वही। बिल्कुल नहीं। आज बोरिंग नहीं। फासो सिग्नेचर रैप्स है बिल्कुल सही। अनएक्सपेक्टेड माउथ वॉटरिंग कॉम्बिनेशंस, फ्लेवर्स में ऐसा जोर कि बाकी सब लगे बोर। फासो सिग्नेचर रैप्स। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस। मैं बोल रहा था रविंदर से बोलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन खेलो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। Don't worry, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। Download the Khelo Fantasy app and start the game. ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Wanna see something hot? We are going back to the game. Aditya Dubey was leading 5-0. Let's see what has happened after that. Our Esports Premier Series, co-powered by Hell Energy Drink, Faso's and Owen Story. पूरे साल चलने वाला है और फाइनल्स होंगे दिसंबर में लैन में बॉम्बे में। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है esports.in में जाइए और रजिस्टर कीजिए। अभी भी फीफा क्वालीफायर बाकी है और आप जीत सकते हैं 50,000 रुपये और फाइनल टोटल प्राइज मनी है 40 लाख रुपये। फीफा के क्वालीफायर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मगर अगर आप फीफा खेलते हैं या फिर आपके दोस्त फीफा खेलते हैं तो उन्हें ज़रूर बताइए रजिस्टर करने के लिए। और जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक और पासोस में आप जीत सकते हैं 50,000 रुपये फीफा में। और 2 क्वालीफायर्स है, अभी ऑलरेडी क्वालीफायर चल रहा है, आज राउंड 2 चल रहा है। कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स के मैचेस हो चुके हैं और इसके बाद मैच होने वाला है फादिल अफरीदी का, जो बैंगलोर फीफा कप के बेस्ट प्लेयर है और बैंगलोर में बहुत सारे टूर्नामेंट जीत चुके हैं और बहुत सारे टूर्नामेंट्स के नेशनल फाइनल्स में आ चुके हैं। इवन एशियन फुटबॉल गेमिंग चैंपियनशिप के भी नेशनल फाइनल्स खेल चुके हैं। तो हम ये आदित्य दुबे 1-0 से इस मैच में लीड कर रहे हैं। इससे पहले पहला लेग उन्होंने 4-0 लीड किया है। पांच गोल से आगे आदित्य दुबे।
He's making it look really easy. बहुत अच्छी ड्रिबलिंग कर रहे हैं मेसी और माने के साथ जबरदस्त खेल रहे हैं. आज चैंपियंस लीग में मेसी रियल लाइफ में भी खेलने वाले हैं. सचिन की टीम में दो अच्छे अच्छे आइकॉन्स थे माइकल एसियन और काका. काका के साथ अभी एक चांस है, देखते हैं क्या वो स्कोर कर पाते हैं कि नहीं. और ये गोल, पहला गोल. चार गोल से अभी भी पीछे है, फिर भी इस मैच को जीत के थोड़ी कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहेंगे सचिन. और बहुत सारे गोल्स के चांसेस मिले थे आदित्य को, वो गोलकीपर को ड्रिबल करने के के पीछे लगे हुए हैं. बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट खेल रहे हैं. मगर शायद अभी थोड़ा सीरियसली खेले, थोड़ा इजी ले लिया था उन्होंने. बहुत चांसेस मिल रहे थे मगर गोल्स नहीं कर रहे थे. देखते हैं कि अभी भी वैसा ही ड्रिबलिंग करते हैं या फिर गोल पे चांस मिले तो शॉट लेते हैं कि नहीं. अभी लगता है शॉट लेंगे क्योंकि सचिन जी ने गोल कर दिया है. बहुत अच्छी पासिंग यहाँ. आदित्य दुबे फिर से बहुत अच्छा ऑफसाइड ट्रैप किया था मगर उसको ऑफसाइड ट्रैप को बीट किया. और एक अटैक यहाँ ऑफसाइड हो गया. नेमार, माइकल एसियन, इट्स विद लुकास क्लोस्टरमैन. पेशेंट बिल्ड अप एट द मोमेंट. अभी सचिन यादव अभी अटैक कर रहे हैं. उनको अभी भी चार गोल्स करने होंगे इस मैच में वापस आने के लिए, जो नामुमकिन लगता है. एसियन से लाइमार को दिया है. लाइमार जर्मनी के प्लेयर है, बुंदेसलीगा के रेड बुल लाइपजिग में खेलते हैं. एम्बापे को बॉल दिया है, फिर नेमार. एम्बापे और नेमार जो पीएसजी के लिए खेलते हैं. और रियल लाइफ में भी एम्बापे और नेमार मेसी के अगेंस्ट में जाएंगे जैसा यहां हो रहा है. मगर इंजरी के लिए नेमार बाहर है. पांच एक से पीछे हैं और अभी चेंजेस कर रहे हैं. एटलीस्ट ये मैच जीत के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस लाना चाहते हैं. कॉन्फिडेंस बोले या प्राइड बोले, थोड़ा सा अपने पास लाना चाहते हैं सचिन. काका को चेंज कर दिया है, आइकन काका को, और लोजानो को उतारा है. लोजानो के पास 97 का पेस है, जबरदस्त पेस है लोजानो के पास. देखते हैं उनको यूटिलाइज कर पाते हैं या नहीं. मेसी से पास दिया यहाँ. देखते हैं मेसी को लेके फिर से बहुत अच्छी ड्रिबलिंग कर रहे हैं मगर अच्छी डिफेंडिंग वहां सचिन से. लगता है ऑफसाइड है. हाँ वही हुआ. पहले मैच में ऑफसाइड ट्रैप बिल्कुल यूज नहीं किया था सचिन यादव ने, अभी सेकंड मैच में बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं ऑफसाइड ट्रैप. और ऑलमोस्ट तीन बार ऑफसाइड हो गए हैं आदित्य दुबे सेकंड हाफ में. पहले मैच में बता दूं, फर्स्ट लेग में 4-0 के लीड लिया था, 4-0 का लीड लिया था आदित्य दुबे ने. और अभी सेकंड लेग में देख रहे हैं कि 1-1 चल रहा है. टोटल एग्रीगेट में 5-1 से आगे हैं आदित्य दुबे. बहुत बढ़िया खेले हैं आदित्य दुबे पूरे मैच में, पूरे दोनों लेग्स में. इस लेग में थोड़ा इजी ले लिया था, गोल्स उनको मिल रहे थे मगर ज्यादा ड्रिबल करने की कोशिश कर रहे थे. और एक सचिन यादव के पास चांस, क्या वो इस मैच में लीड ले सकते हैं. एक अच्छा क्रॉस, बहुत अच्छा शॉट मगर उतनी अच्छी गोलकीपिंग. डिले के बाद हम जैसे ही वापस आए हैं देख रहे हैं सचिन यादव बहुत अच्छा खेल रहे हैं.
मगर 4-1 से 5-1 से पीछे हैं और एक सचिन के पास और एक चांस है पोपे से पास, बहुत अच्छी गोलकीपिंग, पोपे से अच्छी गोलकीपिंग की है आदित्य दुबे ने। आखिरी 3 मिनट है, रिबेरी को पास दिया है, देखते हैं क्या करते हैं, क्या कोई विनर निकलेगा इस मैच में, आखिरी चांस मिल सकता है यहां आदित्य दुबे को, मगर अच्छी डिफेंडिंग, वहां ये मैच हारने नहीं वाले, एटलीस्ट ये लेग नहीं हारेंगे सचिन यादव लगता है। और ये आखिरी चांस, और ये आखिरी चांस है सचिन यादव के पास, क्या वो जीत के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं, नहीं, अच्छी डिफेंडिंग कर दी आदित्य ने और मैच खत्म, 5-1 से जीत लिया है आदित्य दुबे ने मैच। पहला मैच 4-0 से जीते थे आदित्य दुबे, अभी दूसरा मैच ड्रॉ हुआ है जिसके लिए 5-1 से जीत गए आदित्य दुबे। अभी हम रिजल्ट स्क्रीन पे देख लेंगे स्कोर कितना हुआ है, 5-1 आदित्य दुबे ने जबरदस्त खेला, पहले मैच में 4 गोल्स मारे, 2 गोल्स थे रिबेरी के, 1 गोल था मेसी का, 1 गोल किया था उन्होंने माने से, और इस बार इस मैच में मेसी से 1 गोल किया जो कि माने से अटैक किया था, गोलकीपर को भी छका दिया था, गोलकीपर को ड्रिबल कर दिया था, मगर फिर पास दिया मेसी को और मेसी से स्कोर किया। तो इन 5 गोल में 2 गोल मेसी से आए, 2 गोल रिबेरी से आए और 1 गोल आया सादियो माने से, और सचिन यादव ने 1 गोल किया, वो किया आइकॉन काका ने, मगर वो काफी नहीं रहा और आराम से आदित्य जुए पहुंच गए हैं अगले राउंड में। चरण जोत अपने टीम मेट को ज्वाइन कर रहे हैं राउंड 3 में। जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक एंड फासोस। अगला मैच है फादिल और शुभम यादव के बीच जो शुरू होने वाला है कुछ ही पलों में। फादिल अफरीदी बैंगलोर फीफा क्लब के प्लेयर है, बहुत सालों से खेल रहे हैं फीफा, बहुत सारे नेशनल टूर्नामेंट्स में वो नेशनल फाइनलिस्ट हुए हैं और टॉप 8 में तो आते ही रहते हैं और एशियन फुटबॉल गेमिंग चैंपियनशिप के भी क्वार्टर्स तक गए थे नेशनल टूर्नामेंट में, इंडिया में, इंटरनेशनल अभी तक नहीं गए मगर बहुत बार वो क्लोज गए हैं, सेमीज तक, क्वार्टर्स तक भी पहुंचे हैं क्वालिफायर्स में, और बैंगलोर के वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स है, बैंगलोर में टूर्नामेंट जीतते ही रहते हैं। और बैंगलोर फीफा क्लब में फादिल, समीर और जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से फादिल बहुत ही कंसिस्टेंट है और उनको हर टूर्नामेंट में आप देखोगे पार्टिसिपेट करते हुए, वो कंटिन्यूस खेलते ही रहते हैं, बहुत पैशन है उनमें फीफा का। और जैसा हम बोल रहे थे कि फादिल अफरीदी और शुभम के बीच मैच होने वाला है और फादिल अफरीदी इस मैच में लगता है बेटर खेल सकते हैं क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में क्वालिफायर्स खेलने का और नेशनल टूर्नामेंट्स तो उन्होंने बहुत सारे खेले हैं और बैंगलोर में ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट्स वो जीत चुके हैं। सो, इस मैच में लगता है फादिल अफरीदी का ही पल्ला भारी रहेगा और उनका मैच देखने के लिए मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ कि कैसा खेलते हैं, कुछ मैंने उनके साथ काफ़ी मैचेस खेले भी हैं और बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, बहुत ही काम और कंपोज नेचर के हैं और बहुत ही पोजीशन रख के खेलते हैं और अटैकिंग बहुत अच्छा करते हैं और ड्रिबलिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। जोश प्रेजेंट्स ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक ओपन स्टोरी एंड फासोस। अभी हम छोटे से एक ब्रेक में जाएंगे और वापस आएंगे जल्दी, थैंक यू। esports.in ला रहा है इंडियाज योर लॉन्ग ईस्पोर्ट्स चैंपियनशिप ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज 2021। ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ईस्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख एंड हमारी कंसोल गेम है फीफा 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में फीफा के 2 लैंड क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में।
सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप टू स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट, और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द फीफा अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। होश। यह है जोश। ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. आज खाने में वही। बिल्कुल सही। खाने में वही। बिल्कुल नहीं। आज बोरिंग नहीं। फासो सिग्नेचर रैप्स है बिल्कुल सही। अनएक्सपेक्टेड माउथ वॉटरिंग कॉम्बिनेशंस, फ्लेवर्स में ऐसा जोर कि बाकी सब लगे बोर। फासो सिग्नेचर रैप्स। करण एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस। मैं बोल रहा था रविंदर से बोलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा स्किल सेटर तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन केरो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द केरो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। ये है होश। ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. Yeah, hush. Yeah, Josh. ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। करण एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस। मैं बोल रहा था रविंदर से बोलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा स्किल सेटर तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन केरो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द केरो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। यह है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा।
esports.in. Lara hai India's year long esports championship, esports premier series 2021. ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ई-स्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख एंड हमारी कंसोल गेम है फीफा 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में फीफा के 2 लैंड क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ्स में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द फीफा अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। esports.in Lara hai India's year long esports championship esports premier series 2021. Hello all, welcome to Josh presents esports premier series co-powered by Hell Energy Drink, Fasos and Oven Story. So Shubham Jadhav has got a bye in the second round and he will straight go to the third round and play in the next round 3. So aaj ke matches sare ho gaye hain aur humne dekha ki Aditya kaise 10-2 se jeete aaj, कुछ बड़ा खेले और उसके बाद हमने कुछ अच्छे मैचेस भी देखे, जैसे आदित्य दुबे को मैंने देखा, हमने देखा कि 5-1 से जीतते हुए तो, और आदित्य चड्ढा जीते 10-2 से, तो दोनों आदित्य ने आज कमाल का खेला है और देखेंगे कि कल कैसे मैचेस होते हैं। और एक बार ब्रैकेट्स देख लेते हैं, कल किन के मैचेस है देख लेते हैं, कल कौन से बड़े बड़े मैचेस है। कल सक्षम का मैच है नील अलेक्जेंडर के साथ। सक्षम इंडिया के लिए मलेशिया में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 2-2 में चैंपियनशिप जीते हैं, पहले प्लेयर थे जो 2-2 जीत के आए वहां से। फिर समर कटारिया और अकुल का भी मैच है और सागनिक बैनर्जी का भी जो कैलकटा से है मगर बहुत सारे नेशनल फाइनल्स खेल चुके हैं और यंग प्लेयर है, सिर्फ 17 साल के हैं मगर 27 विंस हर हफ्ते करते हैं। तो दो बड़े बड़े मैचेस कल देखने मिलेंगे राउंड 2 के, और राउंड 3 में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं चरण जो, जोसेफ, रंजन, सिड, इमाद, सारंश, अमन, आदित्य, सतेज और शुभम। तो कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी, इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं राउंड 3 में। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और कल हम मिलेंगे इसी जगह इसी चैनल पे और आपको दिखाएंगे इस कुछ और बड़े प्लेयर्स के मैचेस। सो वी विल मीट यू टुमारो। वी वांट टू थैंक द स्पॉन्सर्स जोश ऐप, Hell Energy Drink, Fasos and Oven Story for their support. See you tomorrow. Good night and God bless you. esports.in Lara hai India's year long esports championship esports premier series 2021. ये ओपन टूर्नामेंट है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपना ई-स्पोर्ट्स करियर शुरू कर सकता है। ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का टोटल प्राइस पूल होगा 40 लाख एंड हमारी कंसोल गेम है फीफा 21 जिसमें बहुत प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपके लिए जबरदस्त गोल स्कोर करेंगे। पूरे साल में फीफा के 2 लैंड क्वालिफायर्स होंगे विद प्राइस पूल ऑफ ₹50,000 और हर क्वालिफायर का विनर जाएगा मेगा लैंड फिनाले दिसंबर में। सारे प्लेयर्स बैटल करेंगे प्लेऑफ्स में जाने के लिए, प्लेऑफ टीम्स कम्पीट करेंगे टॉप 2 स्पॉट्स के लिए जो बनेंगे हमारे फाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट में से विनिंग प्लेयर क्वालिफाई करेगी लैंड फिनाले के लिए। ऑनलाइन क्वालिफायर्स खेला जाएगा इन द फीफा अल्टीमेट टूर्नामेंट मोड। सपोर्ट और चीयर करने के साथ साथ आपको मिलेगा ढेर सारे गिवअवेज जीतने का मौका। मिलते हैं मैदान में 14 फरवरी से ईस्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। जोश, ऐसे ही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need?
For me, it's enough. Hell energy. आज खाने में वही। बिल्कुल सही। खाने में वही। बिल्कुल नहीं। आज बोरिंग नहीं। फासो सिग्नेचर रैप्स है बिल्कुल सही। अनएक्सपेक्टेड माउथ वॉटरिंग कॉम्बिनेशंस, फ्लेवर्स में ऐसा जोर कि बाकी सब लगे बोर। फासो सिग्नेचर रैप्स। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस। मैं बोल रहा था रविंदर से बॉलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन खेलो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण, एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द खेलो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। There was a time when I drank coffee. Lots of it. That time is long gone. I switched because I like to keep up with the new trend. Energy, taste, power. What else do you need? For me, it's enough. Hell energy. सही ढेर सारे फनी वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Want to see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम। करण, एसी सही से काम नहीं कर रहा। कल ठीक करवाता हूँ। यस। मैं बोल रहा था रविंदर से बॉलिंग करवाओ, स्लिप पे रोहित को खड़ा करो। मेरी गट फीलिंग है आज महेंद्र मारेगा। पापा, स्किल सेट है तो खेलो ना। बनाइए अपनी टीम ऑन खेलो फैंटेसी ऐप और जीतिए कैश रिवॉर्ड्स, बोनस रिवॉर्ड्स और ढेर सारे इनाम। करण, एसी बंद हो गया। डोंट वरी, कल नया आ जाएगा। दिल से खेलो, जम के जीतो। डाउनलोड द खेलो फैंटेसी ऐप एंड स्टार्ट द गेम। ये है होश, ये है जोश। ऐसे ही ढेर सारे रोमांटिक और क्यूट वीडियोस के लिए जोश में आ जा। Esports.in Lara hai India's year long esports championship, esports premier series 2021. ये open tournament है जिसमें कोई भी participate करके अपना esports career शुरू कर सकता है। Esports premier series का total